सभी को वेरी वेरी गुड इवनिंग जो लोग बैच में आ गए हैं। और इस बैच में आज रिवीजन होगा, और रिवीजन होगा झारखंड को बेस करके और बिहार को बेस करके, यानी कि दोनों झारखंड और बिहार दोनों एग्जामिनेशंस को फोकस करते हुए, जैसा कि परीक्षाएं एकदम पास में हैं तो उन्हीं को फोकस करते हुए आज हम रिवीजन क्लास लेंगे। और ये रिवीजन क्लास आपकी कंटिन्यू रहेगी जब तक कि फुल रिवीजन नहीं हो जाता है। तो ये 2 दिन, बाकी जो भी लोग इसमें जुड़े हुए हैं वो पूरी तरीके से समझें। लेकिन इसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि किस चैप्टर में क्या क्या पढ़ लेना है, प्लस कुछ फार्मूले, कुछ क्वेश्चंस बीच बीच में, ऐसी बहुत सारी चीज़ें, प्लस साथ में प्रीवियस ईयर का पेपर भी हम लोग डिस्कशन करते हुए चलेंगे। तो झारखंड के जितने भी साथी हैं वो, और बिहार के जितने भी लोग हैं वो सभी लोग आ जाएं बैच पर, जिससे कि हम अपना काम स्टार्ट कर सकें, मीन्स आपको रिवीजन की भरपूर फ्लेवर दे सकें। और ये रिवीजन का फ्लेवर आपको 100% फ़ायदा पहुंचाएगा एग्जामिनेशन में। तो शुरुआत करेंगे, हम आपको अपनी स्क्रीन शेयर कर रहे हैं। काजल, अमन, शिवानी, लुबना और प्रभात, इतने प्रबल सॉरी प्रबल इतने लोग हमारी स्क्रीन पर इस समय दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है दोपहर का समय है तो कम ही लोग जहाँ तक उम्मीद है आएंगे, लेकिन फिर भी हमारा रिवीजन चलता रहेगा। और जो लोग बाद में देखेंगे तो उनको भी 100% बेनिफिट होगा। तो मैंने अपनी आपको स्क्रीन शेयर कर दी है, स्क्रीन शेयर कर दी है। तो जो भी लोग आते जाएं वो अपनी अटेंडेंस जरूर लगाएं कि सर देखिए मैं आ गया हूँ, ठीक है, या मैं आ गई हूँ, एंड सो ऑन। तो ये बात ध्यान दीजिएगा। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊं, हम लोग 3 टॉपिक यानी कि आपसे बात करते हुए चलेंगे कि हमें मेन हमारा फोकस क्या होगा वो मैं आपको बता दूं। रिवीजन का मतलब क्या है? रिवीजन का मतलब काजल ये यहाँ पर होगा कि सबसे पहले मैं आपको बताऊं क्या पढ़ना है, ठीक है, यानी हिंदी लिख देता हूँ क्या पढ़ना है। एक तो हमें ये जानना जरूरी है क्या पढ़ना है, और क्या पढ़ना है किस चैप्टर में, किस चैप्टर में, ये जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। जैसा कि मैं पहले भी वीडियोस बना चुका हूँ, चैप्टर में एक बात तो ये ध्यान देना है, और दूसरी किन फार्मूलों पर फोकस करना है, फार्मूले कौन कौन से होंगे, फार्मूले कौन कौन से होंगे, और रिएक्शंस कौन कौन सी होंगी, ठीक है ना, रिएक्शंस कौन कौन सी होंगी उनको हमें फोकस करना पड़ेगा। यहाँ पर रिएक्शन लिख देता हूँ। और साथ ही साथ किस कंसेप्ट पर हमें न्यूमेरिकल पढ़ने चाहिए, तो इन पर बहुत सारे क्वेश्चंस भी कराता हुआ चलूँगा। और सिलेबस में क्या क्या चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं, किन पर हमें फोकस ज़्यादा करना चाहिए, तो इम्पॉर्टेंट मैटर भी हम आपसे डिस्कशन करते चलेंगे। ये सब चीज़ें पूरे आपको मिलेंगी। आज और कल यही काम होगा, यानी इसी टॉपिक को आज और कल में हम लोग कंप्लीट करेंगे, ठीक है ना। चलिए, तो सबसे पहले हमारे पास एक टॉपिक है, एक एक करके मैं टॉपिक वाइज चलूंगा जिससे कि आपको बिल्कुल तकलीफ ना हो। जहाँ से भी वीडियो देखें आपको ये पूरी लगनी चाहिए, खास बात ये। देखिए, सबसे पहले मैं एक टॉपिक की बात कर लेता हूँ जिसका नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिकल बॉन्डिंग और पीरियोडिक टेबल। तो यहाँ पर एटॉमिक एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात हो रही है, एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिकल बॉन्डिंग और साथ में पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। ये टॉपिक में सबसे पहले जानना प्रबल जरूरी हो जाता है कि कौन कौन से फार्मूले इनमें यूज हो जाते हैं, कौन कौन से क्वेश्चंस आने की संभावना और किस कैटेगरी के क्वेश्चन आने की संभावना रहती है, ये चीज़ भी आपको ध्यान देनी पड़ेगी, ठीक है। चलिए,
सुनाई मेरी आवाज आ रही है आप तक? आवाज मेरी क्लियर है, वॉइस क्लियर है? पहले तो ये बताइए, मेरी वॉइस क्लियर है जी? पहले तो बताएं कि क्या मेरी आवाज आप तक बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही है? बोलिए जल्दी से, आवाज उधर से बताइए कि यस सर, आवाज आपकी क्लियर है, तो मैं समझ जाऊंगा कि मेरी आवाज आप तक बिल्कुल क्लियर पहुंच रही। जी यस, ठीक है शिवानी, वेरी गुड, नाइस। तो शिवानी, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि एक एक टॉपिक हमने उठा रहा हूं और एक एक टॉपिक से चलूंगा, तो समय थोड़ा सा लूंगा और इस समय के साथ में आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि हमें कोऑपरेशन भी आपका इसलिए चाहिए होगा क्योंकि ये टाइम कंज्यूमिंग मैटर होता है और यहाँ पर टाइम ही इम्पोर्टेंट होगा। चलिए, टाइम अब ख़राब नहीं करेंगे, ज़्यादा नहीं बात करेंगे आपसे। सबसे पहले तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में जो क्वेश्चंस आने की संभावना बनती है वो एक तो मुझे दिखाई दे रही है क्वांटम नंबर से। तो यानी कि मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, शुरुआत ही करता हूँ क्वांटम नंबर से। और क्वांटम नंबर में भी अगर मैं आपसे कहूँ कि कहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, तो मेनली मैं आपको बताऊं, देखिए क्वांटम नंबर क्या होता है ये सब बताने का समय नहीं है, लेकिन फार्मूले बताने का समय है। अगर हम लोग एन की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर के एल एम और एन लिख लेता हूँ। शुरुआत होने दीजिए, आपको अच्छा लगेगा, ठीक है? तो यहाँ पर आपको चीज और अब बता देता हूँ। देखो, अगर मैं के की बात करता हूँ तो यहाँ पर के लिए 1 हो जाता है, यहाँ पर 2 हो जाता है, यहाँ 3 एंड 4 सो ऑन। मतलब एक आपको स्टार्टिंग जब हो जाएगी तो ना सब लाइन पे आ जाएगा। एल की वैल्यू की बात करता हूँ तो एल इज इक्वल टू हो जाता है यहाँ पर, भाई अगर एल बात करूंगा तो 0 से लेकर के एन माइनस 1 तक चलता हूँ। बड़ा जरा माहौल बनने दीजिए, सब सब बताऊंगा, एकदम छोड़ूंगा नहीं कुछ, है ना? 0 से एन माइनस तक चलूंगा। लेकिन यहाँ पर ये भी नोट करना पड़ेगा आपको कि एल की वैल्यू एस ऑर्बिटल के लिए 0 होती है, पी के लिए 1 होती है, डी के लिए 2 होती है और एफ के लिए 3 होती है। तो यहाँ 0 बताता हूँ, यहाँ 1 बताता हूँ, यहाँ 2 बताता हूँ, यहाँ 3 बताता हूँ। तो इस तरीके से ये कंसेप्ट भी आपको याद रखना, एम इज इक्वल टू जो होता है वो माइनस एल से लेकर के प्लस एल तक चला जाएगा, जिसमें 0 ऑलरेडी इन्वॉल्व हो जाएगा। यहाँ पर 0 मतलब बीच में आना ही आना है और एस की वैल्यू आप जानते ही हैं। अगर इलेक्ट्रॉन का स्पिन जो होता है, अगर इलेक्ट्रॉन का स्पिन क्लॉक वाइज दिखाई देता है तो एस इज इक्वल टू आप जानते हैं प्लस हाफ होता है, और अगर इलेक्ट्रॉन का स्पिन एंटी क्लॉक वाइज आपको दिखाई देता है तो एस इज इक्वल टू माइनस हाफ हो जाता है। तो ये सब फार्मूले तो ऑलरेडी आपको पता है, लेकिन एक चीज़ जरूर ध्यान देना कि अगर मान लो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछे जाए सब सेल में, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सब सेल की अगर मैं बात करता हूँ, तो सब सेल के अंदर निकालने का जो फार्मूला है वो है 4n-2, या फिर अगर सब सेल निकालना है तो आप एक तरीका और भी कर सकते हो, 4l+2 भी कर सकते हो। दोनों तरीके हैं, दोनों तरीके से आप इलेक्ट्रॉन का नंबर निकाल सकते हैं कि सब सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने हैं। अब जैसे कोई कहता है कि ये बताओ पी सब सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो बताओगे सर फार्मूला कैसे अप्लाई होगा? तो एल के लिए जो पी की वैल्यू 1 होती है, तो इसका मतलब हो गया 4 × 1+2, मतलब यहाँ पर 6 हो गया, 6 हो गया। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, है ना? ऐसे क्वेश्चन अब, लेकिन अब ये सब चीज़ें माहौल बन चुका है, धीरे धीरे बढ़ते रहेंगे आगे। भाई अगर मान लो इलेक्ट्रॉन का मैक्सिमम नंबर निकालना है कि किसी भी ऑर्बिटल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, किसी भी शेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन शेल की बात करता हूँ, तो जैसे ही शेल में चलोगे तो आप बताओगे कि सर 2n² का फार्मूला लगता है, और ये हम बच्चों को भी सिखाते हैं, तो आप हमें बता रहे हैं, कोई नई बात नहीं है। लेकिन जब इसी के आगे हम लोग बढ़ना शुरू करते हैं, तो यहीं से अब थोड़ा सा मामला हमारे लिए इम्पोर्टेंट शुरू हो जाता है। जैसे कि अगर एंगुलर मोमेंटम निकालना है, तो दो तरीके के एंगुलर मोमेंटम होते हैं, दो तरीके के एंगुलर मोमेंटम, एक तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम और एक होता है स्पिन एंगुलर मोमेंटम। तो यहाँ पर मैं पहले एंगुलर मोमेंटम की बात कर लेता हूँ, सुनते रहिए ध्यान से। एंगुलर मोमेंटम में आपको क्या करना पड़ेगा, अंडर रूट में आ जाएगी वैल्यू एल एल प्लस वन, यहाँ पर एल और फिर अंदर ले लीजिए एल प्लस वन और बाहर एच अपॉन 2π। ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है,
वेरी, यहाँ पर मैं स्टार बना दूँ समझ लेना इम्पोर्टेंट हो गया। ये क्वेश्चन आया भी अभी पिछले साल का पेपर भी अभी सॉल्व कराऊंगा बचे हुए टाइम पर, थोड़ा रिवीजन थोड़ा पेपर ये चलेगा। तो इसी तरीके से स्पिन एंगुलर मोमेंटम अगर ये हो गया आपका ऑर्बिटल, तो यहाँ पर वर्ड ऑर्बिटल और बढ़ा देता हूँ जिससे कि कन्फ्यूजन ना रह जाए। यहाँ पर मैं स्पिन एंगुलर मोमेंटम की बात करता हूँ तो यहाँ हेडिंग बना देता हूँ स्पिन एंगुलर मोमेंटम, और स्पिन एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो आपका हो जाएगा अंडर रूट में, कुछ नहीं करना है, यहाँ पर एस रखना हो, यहाँ S+1 और यहाँ H/2π रख देना है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि मुझे लगता है कि ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ज़्यादा पूछा जाता है एज कम्पेयर टू स्पिन एंगुलर मोमेंटम। तो एक तो ये ध्यान दीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट और क्वेश्चन इस पे आना तय है। दूसरा आपको बता दूँ, पेपर उठाइए और आपको नंबर ऑफ द नोडल प्लेन, ये क्वेश्चन डिस्टर्ब था शायद, मैंने करवाया है अभी, वीडियो भी डाली थी, नंबर ऑफ नोडल प्लेन, नोडल मैंने यूट्यूब पर वीडियो डाली थी और उस वीडियो को अपलोड इस पे कर दूंगा आपका, आपके ऐप पर भी अपलोड कर दूंगा, नंबर ऑफ द नोडल प्लेन। अगर मैं नोडल प्लेन की बात करता हूँ या नंबर ऑफ नोड्स की भी बात करता हूँ, तो नोड एक्चुअल में आपको बताया था वो एरिया जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी जीरो होती है। तो फार्मूला भी था N-L-1, ऐसा क्वेश्चन था। अगर आपने पेपर सॉल्व किया हो या पेपर प्रीवियस ईयर का आपके पास मैंने लगा रखा है ऐप पर, वहाँ जा करके देखिए, तो मनु उपाध्याय जी, अमन प्रबल अमन जी आपकी समस्या का समाधान करेंगे। अभी थोड़ा बताएंगे, थोड़ा नहीं पूरा बताएंगे, है ना। हाँ, ये आपको दोनों चीज़ें जो आपने पूछी हैं, आइजन फंक्शन पूछा है और आइजन वैल्यूज पूछी हैं, दोनों की जानकारी आपको दूंगा। इसलिए आप बिल्कुल घबराइएगा नहीं, धैर्य के साथ में हमारे साथ बने रहिए। ये वैल्यूज भी आपको बताऊंगा कैसे निकालते हैं आइजन वैल्यू, और जो है वो आइजन फंक्शन क्या बताता है वो भी आपको मैं समझाऊंगा, अभी दोनों चीज़ें समझाऊंगा। लेकिन पहले मैं अपनी पूरी बात कह लेता हूँ, और जब पूरी बात कह लूँगा तो मुझे भी सेटिस्फेक्शन हो जाएगा कि नहीं यार, मैंने जो भी बताया है वो अब इसके बाद में इन बच्चों की समस्याओं का भी समाधान कर दूँ, ठीक है ना। तो आप थोड़ा सा जो है वो जिसे कहते हैं तसल्ली बना करके चलिएगा, जब तसल्ली बना करके चलेंगे तो 100% हम आपकी बात का समाधान भी कर पाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर नंबर ऑफ नोडल प्लेन मैंने आपको बता दिया। अब इसी तरीके का एक क्वेश्चन आपसे आ सकता है, भाई एनर्जी और फ्रीक्वेंसी में रिलेशन तो आपको पता ही है कि ई इज इक्वल टू क्या होता है, ई इज इक्वल टू होता है एच न्यू, या फिर आप इसे बोल सकते हो HC/λ बोल सकते हो। तो ये एनर्जी का कंसेप्ट हो जाता है, लेकिन इस एनर्जी के कंसेप्ट से जुड़ा क्वेश्चन भी मैंने आपको बताया था कि आया हुआ है। आप एनर्जी के फार्मूले को तीन तरीके से याद करके रखो। EN इज इक्वल टू हो जाता है माइनस का 21.78, यानी 21.78 × 10⁻¹⁹ जूल पर एटम हो जाता है, जूल पर एटम, ये बात ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इसी के बाद यहाँ पर अपॉन में आ जाएगा, एन स्क्वायर हो जाएगा। दूसरी बात यह है, अगर हम किलो जूल में रखना चाहते हैं तो इसी वैल्यू को 13 बारह, आपको याद होगा 13 बारह अपॉन हो जाएगा एन स्क्वायर, और यहाँ पर किलो जूल पर मोल भी हो जाता है। बात मेरी समझ में आ रही, प्रॉपर वे में रिवीजन होगा, अब एक माहौल बनेगा तो एकदम बढ़िया से रिवीजन होता चलेगा, और आपको याद भी आ जाएगा कि नहीं सर ने जो बताया है ये चीज़ हमें पढ़नी भी चाहिए, ठीक है। साइन माइनस लगाते रहिएगा, भूलिएगा नहीं। और अगर यही वैल्यू किलो कैलोरी में डालनी पड़ जाए तो बेटा यहाँ पर 31, ठीक है, 313 याद रखो, 313.6/N² और ये हो जाएगा आपका किलो कैलोरी पर मोल हो जाएगा। तो इस तरीके से आप दोनों बातें ध्यान दीजिएगा कि इस तरीके के फार्मूले टर्म पता रहने चाहिए। ओवरऑल अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पूछ ली तो घबराने की जरूरत नहीं है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हम लोग माइनस की 13.6 रखते हैं, और डिवाइडेड बाई N² तो हर जगह रहना ही है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हो गया। और इसी तरीके से अगर आपको अर्ग में रखनी है तो फिर माइनस की 21.78 वो सेम रहती है लगभग, −10⁻¹⁹ की जगह पे 12 हो जाती है, और अपॉन में आ जाता है यहाँ पर N², ये अर्ग पर एटम में आ जाती है। तो यहाँ पर अर्ग पर एटमॉस्फेयर, एटम का मतलब मैं एटमॉस्फेयर से बात कर रहा हूँ, ये बात आप ध्यान दीजिएगा। अब अगर एनर्जी हाइड्रोजन के नॉर्मल एटम मतलब हाइड्रोजन की ही पूछ ली जाए तो फिर मैं आपको बताना चाहूंगा कि EN इज इक्वल टू हो जाता है, EN इज इक्वल टू हो जाएगा आपका Z² × EN, मतलब इसे हाइड्रोजन कर दो यहाँ पर, तो यहाँ आप EN ले सकते हो। ये फार्मूला भी आप यूज कर सकते हो जब जरूरत पड़ जाए डायरेक्ट,
लेकिन यहीं पर आपको एक चीज और बता देता हूं, अगर मान लीजिए रेडियस की बात आती है, रेडियस, तो रेडियस के लिए आपको पता होना चाहिए, फार्मूला हो जाता है, 2 दिन डिवीजन चलेगा, घबराइएगा नहीं, आर एन इज इक्वल टू जेड, आर एन इज इक्वल टू एन स्क्वायर ऊपर होता है और अपॉन में होता है आपका जेड, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एन स्क्वायर अपॉन हो जाता है जेड इंटू आर नॉट। अब आर नॉट की तो वैल्यू आपको पता ही है, आर नॉट की वैल्यू कितनी, 0.5, तो ये हो जाएगा 0.529 इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड भी रख सकते हो, जो फ़ायदा करेगा आपके लिए, ठीक है। अब दवाई तो है नहीं, इसी के बाद आपने डी ब्रॉगली इक्वेशन भी सुनी होगी, डी ब्रॉगली इक्वेशन आपने सुनी होगी, ये डी ब्रॉगली इक्वेशन जो है वो क्या बताती है कि लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम इन टू ओ वी, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम इन टू वी। लेकिन ये क्वेश्चन और तरीके से भी पूछा जा सकता है ना, और तरीके से भी पूछा जा सकता है, इस बात का आपको दिमाग में रखना पड़ेगा, फितूर रखना पड़ेगा। देखिए अब आपको मैं बताऊँ यहाँ पर एक क्वेश्चन का तरीका क्या है, जैसे काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर होता है, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ, देखो ये आया था, मैं बता रहा हूँ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर, मैं कराऊंगा इसको भी, हाफ एम बी स्क्वायर ये आ गया। अब यहाँ पर वी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, वी इज इक्वल टू अंडर रूट में काइनेटिक एनर्जी चली जाएगी, काइनेटिक एनर्जी पहले से डिवाइड कर दो, काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाई हो जाएगा आपका यहाँ 2 ऊपर आ जाएगा और m नीचे आ जाएगा, है ना, पहले ये 2 ऊपर जाएगा और m नीचे आ जाएगा, ये कंडीशन आएगी। अब इसी वैल्यू को यहाँ रख दोगे तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, लैम्डा इज इक्वल टू रखना पड़ेगा h और नीचे आ जाएगा आपका, नीचे आ जाएगा m, तो एक बाहर ले लो m, एक बाहर ले लो और v की वैल्यू अंदर डाल दो, तो v की वैल्यू अंदर आप इसमें डालेंगे, यानी नीचे 2 काइनेटिक एनर्जी अपॉन में आ जाएगा m, ये आ गया। अब आप एक काम ये कर लो कि m से ऊपर मल्टीप्लाई कर लो, नीचे भी मल्टीप्लाई कर लो, तो यानी m ऊपर भी जाने दो, नीचे भी जाने दो, जो नीचे वाला m बाहर आ जाएगा, तो इसका मतलब ये हो जाएगा h रह गया नीचे और ऊपर आ गया आपका अंडर, नीचे आ गया अंडर रूट का, ये वाला m ये बाहर आएगा तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मीन्स ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगी वैल्यू आपकी 2 काइनेटिक एनर्जी इंटू एम हो जाएगा। ऐसे भी क्वेश्चन अमन आया था, तो इस बात का ध्यान दीजिएगा। नंबर ऑफ द एंगुलर नोड अगर निकालना पड़ जाए तो उसके लिए तो वो नोडल प्लेन जहाँ निकाला है मैं वही लिख देता हूँ, ये केवल एंगुलर नोड पूछा जाए कितने हुए तो यही लिख देता हूँ, एंगुलर नोड जो हो जाते हैं वो बराबर होते हैं, इसके बराबर होते हैं, एंगुलर नोड जो बराबर होते हैं वो बताओ कोई लोग, एंगुलर नोड एल की वैल्यू के बराबर हो जाते हैं, किसकी वैल्यू के बराबर हो जाते हैं, एल की वैल्यू के बराबर हो जाएंगे एंगुलर नोड, इस बात का आपको ध्यान देना है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आपको एक चीज़ और बताऊं, जो श्रोडिंगर की वेव इक्वेशन है, श्रोडिंगर की वेव इक्वेशन किसी ना किसी फॉर्म में आपसे पूछी जा सकती है, और ये क्वांटम मैकेनिक्स के अंतर्गत आती है, क्वांटम मैकेनिक्स के अंतर्गत आती है। एक मिनट का समय दीजिए बस। क्वांटम मैकेनिक्स के अंतर्गत आती है, और क्वांटम मैकेनिक्स जब चलेंगे तो हम लोग ये बताएंगे कि इलेक्ट्रॉन के अंदर ड्यूअल करेक्टर होता है, और इलेक्ट्रॉन के अंदर जो ड्यूअल करेक्टर होता है वो किसके, मतलब वो इलेक्ट्रॉन जो है वो पार्टिकल की तरह भी बिहेव करता है, और साथ ही साथ इलेक्ट्रॉन बिहेव करता है एक वेव की तरह भी। तो अब आपके सामने बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, तो यहाँ पर हेडिंग बना देता हूँ, यहीं पर आइजन की वैल्यू भी आएगी और आइजन फंक्शन भी आएगा, दोनों चीज़ें आएंगी, तो यहाँ पर हेडिंग बना देता हूँ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। बहुत सारे लोग हो सकता है बिना आए हो, लेकिन बाद में हो सकता है वीडियो अपने देख लें, रिवीजन भी हो जाएगा, बहुत सारे लोग नहीं आ पाते क्योंकि रात में ज़्यादा लोग आ जाते हैं, दिन में नहीं आ पाते,
कारण ये होता कि भाई नाइट में फ्री भी होते हैं और इस समय ट्यूशन है, कोचिंग है, पढ़ाते हैं। तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का कोई मैं डेरिवेशन आपको सिखाने नहीं जा रहा हूँ, लेकिन अगर आप जानते हैं तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक तो आपको बताऊं, डेल स्क्वायर से लैपलेसियन ऑपरेटर बदलते हैं, डेल स्क्वायर साई प्लस 8 पाई, ये आती भी है 8 पाई स्क्वायर m, और लगभग उम्मीद भी है कि आएगी, एच स्क्वायर हो जाता है, और साथ में ई माइनस ई स्क्वायर, ये कैपिटल ई हो गया ई स्क्वायर, और नीचे आ जाता है आपका स्मॉल r, है ना, पूरे को ब्रैकेट में बंद कर दिए। यहाँ पर साई इज इक्वल टू आप 0, ऐसे भी ये श्रोडिंगर की वेव इक्वेशन पूछी गई है। और अगर फुल इसे ओपन करके लिखना चाहो तो ओपन करके भी मैंने बताई थी, भाई लैपलेसियन ऑपरेटर को आप ओपन कर दीजिए, लैपलेसियन ऑपरेटर को जब आप ओपन करेंगे तो आपको पता है वो डेल की फॉर्म में आती है, डेल की फॉर्म में आती, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, यहाँ पर डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर, यहाँ पर डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल जेड स्क्वायर प्लस, ये यहाँ तक हो गया। अब 8 पाई स्क्वायर m अपॉन एच स्क्वायर हो जाता है, और यहाँ पर आपका e माइनस e स्क्वायर अपॉन r ये आ जाएगा। और अगर आप r के टर्म में नहीं लिखना चाहते हैं, डायरेक्ट लिखना चाहते हैं जो सिंपल इक्वेशन है, तो e माइनस v कर दो, तब भी कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर e माइनस v कर दीजिए, और e माइनस v हो गया, अपॉन एच स्क्वायर आ ही गया, साई यहाँ लगा ही दीजिए, इज इक्वल टू 0, ऐसे भी मनु लिखा जाता है। तो अब यहाँ दिक्कत ये आती है कि दो क्वेश्चन जो ढूंढे गए, अधिकतर जो क्वेश्चन समझ में आए कि आखिरकार ये कहाँ कहाँ से क्वेश्चन इसमें दिया जा सकता है, तो दो जो मुझे समझ में आते हैं वो ये आते हैं कि एक तो साई का फंक्शन पूछ सकते हैं, साई का फंक्शन पूछ सकते हैं, इसकी एनर्जी पूछ सकते हैं, ठीक है, इसकी एनर्जी पूछ सकते हैं, और दूसरी चीज़ ये पूछ सकते हैं कि ये बताओ कि वेव फंक्शन ऑफ ऑर्बिटल्स क्या होता है, यानी कि कहने का तात्पर्य ये है वो आइगन फंक्शन भी आपसे पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट चीज़ें मैं लगातार आपसे बोल रहा हूँ और बताता हुआ भी चल रहा हूँ, ऐसा नहीं कि कहीं कोई चीज़ लीव करूँगा, तो ज़रा ध्यान दीजिए कि हम किस चीज़ पर जाना चाहते हैं। नंबर वन, आपको नोट करना पड़ेगा कि यहाँ पर एक ये क्वेश्चन बनता है कि साई क्या रिप्रेजेंट करता है और साई स्क्वायर क्या रिप्रेजेंट करता है। तो ये जो साई आपको दिखाई दे रहा है, जो यहाँ पर साई, केवल साई जो रिप्रेजेंटेशन होता है, ये वेव फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं ये वेव फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है, वेव फंक्शन को, और ये सिग्निफिकेंस बताता है, ये वेव, ये साई स्क्वायर है, ये सिग्निफिकेंस बताएगा, और सिग्निफिकेंस ऑफ वेव के बारे में जानकारी कौन देता है, साई स्क्वायर दे देता है। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा कि साई स्क्वायर बताता क्या, और अब हमें वेव फंक्शन से जानकारी ये मिल सकती है कि किसी भी एनर्जी, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी होती है, यानी एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, अब हाइड्रोजन की चाहो तो हाइड्रोजन की निकालो क्योंकि वही एक सिंपल है, तो EN इज इक्वल टू हो जाता है माइनस का 2 पाई स्क्वायर जेड स्क्वायर म्यू ई स्क्वायर हो जाता है, और नीचे ये याद करना पड़ेगा 4 पाई एप्साइलन नॉट इस पूरे का होल स्क्वायर एन स्क्वायर और एच स्क्वायर, ये श्रोडिंगर की ही वेव से ही पता लगा था, श्रोडिंगर की वेव से ही पता लगा था। और यहीं पर एक चीज़ खास बात जो आप लगातार नोटिस करने की कोशिश कर रहे हैं कि सर हम इस चीज़ को जानना चाहते हैं, तो यहीं से निकल कर आया था रेडियल वेव फंक्शन यहीं से निकल कर के आया था प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, यहीं से निकल के आया था एजीमुथल क्वांटम नंबर, यहीं से निकल के आया था मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। यानी कहने का तात्पर्य है कि जब ये इक्वेशन समझाई गई, यानी कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से ही, अगर मैं आपसे कहूँ तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन SCHRO होता है, मैंने थोड़ा स्पेलिंग गलत कर दी, सही कर देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। अगर मैं श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के बारे में आपसे बात कर रहा हूँ, तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन आपको ये भी बताने के लिए तैयार है कि कौन सा क्वांटम नंबर, इन्होंने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में भी बताया, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इन्होंने एजीमुथल क्वांटम नंबर के बारे में भी बताया, एजीमुथल क्वांटम नंबर के बारे में भी बताया, इन्होंने मैग्नेटिक
मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के बारे में भी बताई, समय लेगा थोड़ा सा, और ये इन्होंने स्पिन क्वांटम नंबर के बारे में भी बताया। लेकिन साथ ही साथ इन्होंने एक चीज और भी बताई जिसको आप लोग आइजन फंक्शन के नाम से जानते हैं। और आइजन फंक्शन आखिरकार बताने की क्या कोशिश करता है, तो मैं आपको ये बताऊं कि आइजन फंक्शन जो होता है, आइजन आइजन वैल्यू और आइजन फंक्शन की अगर मैं बात करता हूं, आइजन फंक्शन और आइजन वैल्यू की बात करता हूं, तो यहां से हमें ये पता लगेगा, नोट करना इस बात को, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, आखिरकार इलेक्ट्रॉन जहां पर है उस हाइड्रोजन एटम में, अगर 1s में एक इलेक्ट्रॉन है तो उसकी स्फेरिकल शेप होगी, और वो इनफाइनाइटेसिमली थिकनेस अगर मैं लेकर के चलता हूँ तो जो थिकनेस हमें वहाँ पर मिलेगी, उस थिकनेस न्यूक्लियस के चारों तरफ कितना एरिया कवरअप करके रख रही है उसको हम लोग बताते हैं, इसको आइजन वर्ग वैल्यू, आइजन वर्ग ना बोलो, आइजन वैल्यू के नाम से रिप्रेजेंट कर देते हैं। अब अगर हमारे मन में ये चलता है कि आइजन जो वैल्यू है वो आइजन वैल्यू हमें मिलती कहाँ से, तो आइजन वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड, सॉल्यूशन नहीं है, आपने पंकज जी लिखा है स्पिन, सुन लीजिए, स्पिन श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं था, लेकिन स्पिन वैल्यू जो दी गई वो स्पिन क्वांटम नंबर इन तीन वैल्यू को निकालने के बाद, श्रोडिंगर यहीं तक आए थे लेकिन इसी के बाद ये कैलकुलेशन आई है, कैलकुलेशन आई है, वैसे आपको किताब में नहीं मिलेगा, किताब ने केवल आपको यही दिया है, किताबों में यही दिया है कि इन्होंने मैग्नेटिक क्वांटम नंबर तक बात की थी, लेकिन जब मैग्नेटिक निकली तो मेरा मानना ये होता है कि श्रोडिंगर की इक्वेशन हेल्पफुल हो गई थी स्पिन क्वांटम नंबर कैलकुलेट करने में पंकज जी, इसीलिए मैंने यहाँ लिखा, इसीलिए उसको अलग से मैंने सर्किल भी मतलब अलग रखा है, उसको इनमें जोड़ा नहीं है। ये तीन जो हैं ऊपर वाले ये श्रोडिंगर के हैं, ये श्रोडिंगर के हैं, लेकिन ये श्रोडिंगर का नहीं है, बिल्कुल सही है, लेकिन इन्हीं की मदद से जब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर पता लगा तभी हमें पता लग पाया कि आखिरकार इसकी स्पिन क्या होगी। तो मेरे कहने का यहाँ पर तात्पर्य ये है, दूसरी चीज़ से अगर जोड़ेंगे तो दिक्कत रहेगी इसको, और दूसरी चीज़ शेप, किसी भी ऑर्बिटल की जो शेप होती है वो बताने से पहले आपको, जी मैं जो कह रहा हूँ उसको समझने की कोशिश करिएगा। और दूसरी चीज़ ये भी नोटिस करनी यहाँ पर पड़ती है कि अगर हम इन वैल्यूज़ को यूज़ करते हैं तो हमें कोऑर्डिनेट एक्सिस की भी ज़रूरत पड़ती है, वो चाहे पार्टिकल इन वन डायमेंशन बॉक्स में हो, चाहे वो पार्टिकल इन टू डायमेंशन बॉक्स में हो, और चाहे वो थ्री में हो, लेकिन ये सब चीज़ें आपसे इस समय उम्मीद करूँगा कि आपसे पूछी नहीं जाएंगी जहाँ तक मुझे अनुमान है, क्योंकि ये जो थ्री डायमेंशन है वो सिलेबस में कहीं पर भी इंडिकेट नहीं किया हुआ। इसी तरीके से अगर हम लोग इन वैल्यूज़ को नोट करते हुए चलें, अब समझिएगा क्वांटम मैकेनिक्स का जो पोस्टुलेट है वो यही कहता है कि मैंने अभी आपको बोला कि वेव फंक्शन साई को रिप्रेजेंटेशन देता है, और अगर हम साई स्क्वायर को यूज़ कर लेंगे तो वो हमें ये बताएगा कि आखिरकार इन ऑर्बिटल्स की डिटेल क्या है, डेप्थ क्या है, डिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की क्या होनी चाहिए, ये जानकारी हमें मिल जाती है आइजन वैल्यू से और आइजन फंक्शन से। तो अब यहाँ पर आपको कुछ क्वेश्चंस मुझे आइजन फंक्शन पर आपको देने पड़ेंगे, तब मैं आपको समझा पाऊंगा कि आखिरकार आइजन फंक्शन को रिप्रेजेंटेशन हम लोग कैसे करें। आइजन फंक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए जो हम लोग फार्मूला लेते हैं श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का, वो एक कर्व के हिसाब से लेते हैं, और जरा आप ध्यान दो कैसे ले जाते हैं ध्यान दीजिएगा। चलिए अगर मान लीजिए थोड़ा सा हम कोशिश कर लेते हैं आपको समझाने की, तो अगर एक पार्टिकल वन डायमेंशन बॉक्स में ले लेते हैं, इस तरीके से वन डायमेंशन बॉक्स में एक हमने पार्टिकल ले लिया, इस पार्टिकल की जो मूवमेंट है वो मान लेते हैं इन दोनों के बीच की गैप, इन्हीं पार्टिकल इतने में मूव कर सकता है, इससे ज़्यादा ये मूव नहीं, शेक कराओगे तो इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। इसका मतलब है इस वैल्यू को लगभग ये मान लो कि सपोज कर लो माइन्यूट है, तो यहाँ पर पार्टिकल इन वन डायमेंशन बॉक्स है, इसकी जो हाइट है वो इनफाइनाइट मान लीजिए,
और इसकी भी अगर हाइट मानो तो आप ये भी आप इनफाइनाइट मान के, जो दीवारें इसकी इनफाइनाइट तक ले जाओ, मतलब एक्सेस हैं वो, एक्सेस मानो दीवारें ना कह करके एक्सेस बोलिए आप। तो डायरेक्शन अगर आप नोट करना चाहोगे तो यहीं से हमें ये पता लग जाएगा कि आखिरकार श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में अगर पार्टिकल वन डायमेंशन बॉक्स में ले लेते हैं तो फिर वैल्यूज क्या होनी चाहिए, वो हमें ये बॉक्स बताता है, जिसकी वीडियो मैंने इम्पॉर्टेंट टॉपिक में पूरी बना करके डाल रखी है कि वहाँ पर आइजन वर्ग निकला कैसे, आइजन वैल्यू निकली कैसे है और आइजन फंक्शन हमने कैसे निकाला, ये दोनों की वीडियो मैंने इम्पॉर्टेंट टॉपिक में डाल दी है, इसी की मदद से निकाला गया। तो उसको एक बार देख लीजिएगा, अगर आप देख लेंगे तो मैं उम्मीद करूँगा आपको 100% ये दोनों वैल्यूज समझ में आ जाएंगी, जिससे हमारा समय भी बच जाएगा। एक बात और दूसरी चीज़ है, इसमें एक जीमेन इफेक्ट भी पढ़ लेना, स्टार्क इफेक्ट भी पढ़ लेना, और साथ ही साथ एक चीज़ और पढ़ लेना जो मैं आपको रिमाइंड करा दूं, फार्मूला पढ़ लेना कि न्यू बार इज इक्वल टू वन अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू आर एच आर एच। इस पर पूरी वीडियो मेरी बनी हुई है, वन डायमेंशन बॉक्स पर वीडियो बनी हुई है, आइजन वैल्यू आइजन फंक्शन दोनों पर भी वीडियो बनी हुई है, दोनों इम्पोर्टेंट वीडियो में जाकर के ढूंढिएगा, क्योंकि यहाँ पर अगर मैं पूरी बताऊंगा तो मुझे लगता है आज यही हो पाएगा, इसलिए दिक्कत करेगा। तो यहाँ पर आर एच हो गया और ब्रैकेट में आपका यहाँ पर आ जाएगा वन अपॉन एन वन स्क्वायर माइनस वन अपॉन एन टू स्क्वायर। मेरी बात आपको समझ में आ रही पंकज जी, अमन लुगना जो लोग भी मेरी वीडियो को देख रहे हैं वो समझ पाएंगे कि आखिरकार मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग इसी कंटिन्यूएशन में, आपको जो मेन मेन टॉपिक थे वो मैंने बता दिए, ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, इस पे पढ़ के आगे बढ़िएगा। और इसी के साथ अब हम लोग केमिकल बॉन्डिंग के टॉपिक पर, जो मेन टॉपिक है उसमें हम लोगों को एक तो फजान रूल तय है बिल्कुल आना, और फजान रूल में जो डिस्कशन आपको मुझसे करना चाहिए वो ये है कि कैटायन और एनायन के साइज पे, कैटायन का साइज छोटा दिखाना पड़ेगा और एनायन का साइज आपको बड़ा दिखाना पड़ेगा, और जब कैटायन एनायन आपस में पास में एक दूसरे के आएंगे तो वो इसके कैटायन जो है इलेक्ट्रॉन क्लाउड इसका डिस्टर्ब कर देता है, और जब इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिस्टर्ब कर देता है तो फिर ये सिचुएशन आपको ऐसे पता लग जाती, ऐसे करके हमने आपको दिखाई थी है। और अगर आपको अच्छे से याद, ये न्यूक्लियस रहा होगा बीच में, तो ये न्यूक्लियस है, पॉजिटिव साइन नहीं, या फिर नहीं बनाओ तो मुझे लगता है बेटर है, कोई दिक्कत नहीं बनाइए आप। चलिए तो फजान रूल के अकॉर्डिंग जिसका कैटायन का साइज छोटा हो, एनायन का साइज बड़ा होना चाहिए, चार्ज दोनों पर ही ज़्यादा होना चाहिए। तो जब दोनों पर चार्ज ज़्यादा होगा तो इसका मतलब है फिर उसके अंदर पोलैरिटी जो है वो ज़्यादा डेवलप हो जाएगी, यानी यहाँ पर पोलैरिटी की बात होती है, पोलैरिटी मोर हो जाएगी, इस बात का आप ध्यान दीजिएगा, ठीक। मेरी बात आपको समझ में आ रही है या केवल यूं ही सुन रहे हैं, केवल यूं ही सुन रहे हैं। दूसरी चीज़ इसके अंदर, एक तो डाइपोल मोमेंट की बात आपको जरूर करनी पड़ेगी, और डाइपोल मोमेंट पर आपको ये जरूर ध्यान रखना है कि ये कैसी क्वांटिटी है, यानी कि म्यू इज इक्वल टू होता है ई इंटू डी। इसमें आपको पता है डायरेक्शन भी होती है, इसमें डायरेक्शन भी होती है, और इसमें क्या होती है बताओ, मैग्नीट्यूड भी होता है। प्रवेश कुमार जी, इसमें डायरेक्शन भी होता है, डायरेक्शन भी होता है, प्लस इसमें मैग्नीट्यूड भी होता है, मतलब ये किस कैटेगरी की, वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर, वेक्टर क्वांटिटी स्केलर, मैग्नेटिक भी होता है, कैसी है ये बताइए, क्या ये वेक्टर क्वांटिटी है, क्या ये वेक्टर क्वांटिटी है बोलिए, या ये स्केलर क्वांटिटी है बोले, क्या ये स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। यानी कहने का तात्पर्य कि हम इस पर राइट लगा देते हैं और इस वाले पर रॉन्ग लगा देते हैं, ये क्वेश्चन बन सकता है, ध्यान दीजिएगा पंकज जी, ठीक है। बाकी जो लोग भी हैं वो सुन तो रहे ही होंगे, और बाद में सुने तब भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हाँ पढ़िएगा जरूर। दूसरी चीज़ है, यहीं पर एक थर्ड फार्मूले पर मैं चल लेता हूँ, जिसको बोलते हैं एच इज इक्वल टू हाफ प्लस विम का। अब आपने कहा कि बी प्लस एम माइनस सी प्लस ए हाफ प्लस विम का पे चले आओ, इससे हम लोग अगर एच की वैल्यू हमारी दो आती है तो एस पी हाइब्रिडाइजेशन आ जाता है, एच की वैल्यू अगर तीन आती है तो एस पी टू हाइब्रिडाइजेशन आ जाता है, एच की वैल्यू अगर चार आती है तो एस पी थ्री हाइब्रिडाइजेशन आ जाता है, एच की वैल्यू अगर पाँच आती है तो आपकी डी एस पी है ना,
एच की वैल्यू अगर 5 आती है तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सी हो जाए, एस पी थ्री डी हो जाता है, एस पी थ्री डी हो जाता है। तो यहाँ पर लिख देता हूँ एस पी थ्री डी, यहाँ लिख दिया मैंने एस पी थ्री डी हो जाता है। अगर एच की वैल्यू 6 हो जाती है तो एस पी थ्री डी टू हो जाता है, एच की वैल्यू अगर 7 हो जाती है तो एस पी थ्री डी थ्री हो जाता है, इंसोमन चलता रहता है। और एक्सेप्शन में आपको डी एस पी टू पढ़नी पड़ेगी। यहीं पर आपको आयन, भाई फार्मूला तो मुझे लगता है कि याद ही होगा, बहुत बार मैंने भी बताया है। एच यहाँ पर हाइब्रिड ऑर्बिटल है, जैसे एक निकाल करके आपको दिखा देता हूँ। मान लीजिए पी सी एल 5 है तो यहाँ पर एच इज इक्वल टू हो गया हाफ, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन फास्फोरस में होते हैं 5, मोनोवैलेंट क्लोरीन है 5, ना ये कैटायन है और ना ही ये एनायन है, दोनों की वैल्यू 0। तो ये 10/2 मतलब ये 5 आ गया, मतलब जब 5 होता है तो हाइब्रिडाइजेशन एस पी थ्री डी हो जाता है। इस तरीके से निकाल सकते हैं। अब मान लो आपके सामने कोई आयन दे दिया जाए तो आयन की भी आप हाइब्रिडाइजेशन निकाल लोगे। एसओ फोर डाई निगेटिव है तो अब यहाँ पर सल्फर की अगर आपको निकालनी है हाइब्रिडाइजेशन तो एच इज इक्वल टू हो जाएगा हाफ, ब्रैकेट में वैलेंस इलेक्ट्रॉन सल्फर में 6 होते हैं, मोनोवैलेंट ऑक्सीजन है नहीं तो 0, कैटायन ये है नहीं है ना 0, प्लस एनायन इस पे 2 नेगेटिव लगे हैं तो ये 8/2 हो गया, मतलब ये आ गया आपका 4, मीन्स आपकी एस पी थ्री हाइब्रिडाइजेशन आ गई। इस तरीके से हाइब्रिडाइजेशन भी कैलकुलेट की जाती है जनाब। तो आप चाहो तो इससे हाइब्रिडाइजेशन भी निकाल सकते हो। दूसरी चीज़ आपको यहीं पर एक ध्यान देना पड़ेगी, जो इम्पोर्टेंट बात है बस उतने पे फोकस करिए इस समय, ज़्यादा नहीं। एक तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में आपको मेनली शेप पर फोकस कर लेना है कि सर हमें शेप याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। शेप के बाद आपको उनका हाइब्रिडाइजेशन याद रखना पड़ेगा, हाइब्रिडाइजेशन याद रखना पड़ेगा, और पेयर्ड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको याद करने पड़ेंगे कि कितने पेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहते हैं, कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ये पेयर्ड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी आपको याद रखने पड़ेंगे बच्चा, तो ध्यान दीजिएगा इस पर। नुजहत नसरीन, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप इन चीज़ों पर फोकस करते रहेंगे तो मुझे लगता है मेरा भी क्लास अच्छा से चलता रहेगा, मीन्स मुझे समझाने में इंटरेस्ट आएगा। इसी के बाद जो है मैं जो चल रहा हूँ लाइन लेंथ, ठीक है ना, मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी पर जो हेट्रो और होमो है मेनली जो पढ़ लेना आप लोग वो मैं आपको बताऊँगा। एक तो एन टू पढ़ लेना, एक ओ टू पढ़ लेना, एक एन ई टू पढ़ लेना, और हेट्रो में अगर पढ़ना चाहना तो एक कार्बन मोनोऑक्साइड और एक सी एन दो पढ़ लेना। 100% मेरा आशीर्वाद आपके साथ में है, ये मिलना तय है। अब चाहे इसमें बॉन्ड ऑर्डर निकलवा लें वो, चाहे बॉन्ड ऑर्डर निकलवा लें, चाहे अनपेयर्ड निकलवा लें, अनपेयर्ड निकलवा लें, चाहे डाया पैरा पूछ लें, इनमें से कुछ भी पूछ लें आपको बताना चाहिए। खासकर कार्बन मोनोऑक्साइड का जो होगा वो एक और पढ़ लेना जिसका नाम है COK1+, इसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा तो मुझे लगता है कि क्वेश्चन आपको लगभग मिल जाएगा, है ना, ये ज़रूर पढ़ लीजिएगा। इसके बाद आ जाइए पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ पर, और पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ में कुछ मत पढ़ना, कुछ मत पढ़ना, बोले यार अजीब बात कर रहे हो सर यार। पीरियोडिक टेबल में केवल एक बात पढ़ना जिसका नाम है एक्सेप्शनल, और एक्सेप्शनल में नंबर वन आयनाइजेशन एंथैल्पी किसकी एक्सेप्शंस में जाती है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी एक्सेप्शन में जाती है, उसके बाद आपका एटॉमिक रेडियस किसका एक्सेप्शन में चला जाता है, ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट, यानी कि ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट में कोई अगर एक्सेप्शन है तो वो पढ़ना है, बाकी आपको इसमें एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करनी है, ठीक है, एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। और रिएक्शंस में केवल ऑक्साइड की केमिकल रिएक्शन आप देख लीजिएगा, यानी कि ऑक्साइड के बारे में, और ऑक्साइड में भी ये पूछ सकते हैं कि वो ऑक्साइड आपका बेसिक है, एसिडिक है या एम्फोटेरिक है, यानी बेसिक है या फिर ऑक्साइड आपका एसिडिक है, और यही ऑक्साइड एम्फोटेरिक भी हो सकता है। इनके एक एक एग्जाम्पल आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है, समझ रहे हैं। झारखंड वाले लोग तो रिप्लाई ही नहीं कर रहे, पड़े हैं मोबाइल लिए लेटे हुए, तकिया लगाए, यार कैसे आदमी हो भाई, यार थोड़ा तो कोऑपरेट करो कि नहीं सर आप सही चल रहे हैं,
आप थोड़ा इसी तरीके से चलते रहिए, कुछ तो बोलो। यहाँ पर मैं थर्मोडायनामिक्स की बात कर लेता हूँ, अब थर्मोडायनामिक्स में जो क्वेश्चंस मैंने देखे हैं, वो मैं आपको बताऊं। सबसे पहले मैंने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को कवर किया, फर्स्ट लॉ पूछा भी गया है, ऑफ थर्मो का पूछा गया है, ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पूछा गया है। दूसरा, स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस पर क्वेश्चन आए हैं, स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस, अब इसमें ये होता क्या है थोड़ा थोड़ा बताता भी चल रहा हूँ। जी ठीक है, वेरी गुड, ऐसे ही बोलते बीच में बताते रहोगे तो मुझे लगता रहेगा ना जिंदा हो, नॉन स्पॉन्टेनियस। अब बोले यार राजीव टीचर बोल रहा जिंदा है। तो नॉन स्पॉन्टेनियस में आपको डेल्टा जी, मैं क्वेश्चन अभी आपको दिखाऊंगा, डेल्टा जी नेगेटिव हो जाएगा स्पॉन्टेनियस में, और नॉन स्पॉन्टेनियस में डेल्टा जी जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ पर एंट्रोपी का टर्म भी फिर आपको पढ़ना चाहिए मेरे हिसाब से, एंट्रोपी और एक हैस लॉ, एंट्रोपी और एक चौथा आपको हैस लॉ भी पढ़ लेना चाहिए। मतलब समझा नहीं रहा हूँ मैं, आपको बताता भी चल रहा हूँ, कुछ फार्मूले भी बताता चल रहा हूँ। यहाँ पर इस कैटेगरी का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, डेल्टा एच टोटल इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, डेल्टा एच वन प्लस डेल्टा एच टू प्लस डेल्टा एच थ्री एंड सो ऑन, इस तरीके के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। एंट्रोपी पे डेल्टा एस इज इक्वल टू क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी, इस पर भी क्वेश्चन आ सकता है। तो ये है, और एक क्वेश्चन जो मुझे उम्मीद लग रही वो 100% पांचवा जो है, डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस का 2.303 एन आर टी लॉग वी टू अपॉन वी वन पर। यहाँ पर अभी अगर आपने नोटिस किया होगा तो इसी फार्मूले को इन्होंने पलट के रख दिया था, यानी सीधा सीधा नेचुरल लॉग के टर्म में रख दिया था, तो माइनस का एन आर टी नेचुरल लॉग वी टू अपॉन वी वन, वी फाइनल अपॉन वी इनिशियल करके भी दिया था। नेचुरल लॉग की वैल्यू पुट कर दोगे तो आसानी से आपके आंसर भी इसमें आ जाएंगे, क्योंकि नेचुरल लॉग की जो वैल्यू होती है वो 2.303 लॉग होती है। इसको आप रख करके वैल्यू निकाल सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। बात मेरी भैया समझ में आ रही है आपको इस पे? और एक चीज़ और भी जो रह रही है वो है सीपी और सीवी में रिलेशन, यानी सीपी सीबी, सीपी माइनस सीबी इज इक्वल टू आर, और साथ ही साथ जो है इसका रिलेशन ये भी ध्यान देना पड़ेगा आपको, रिलेशन भी ध्यान देना पड़ेगा। सीपी माइनस सीपी अपॉन सीबी है ना, एक तो याद रखना है, अपॉन का मतलब मैंने स्लैश मार दिया, सीपी और सीबी याद रखने हैं, और इनका आपको मेयर्स फार्मूला जिसे बोलते हैं, मेयर्स फार्मूला भी ध्यान रखना है, मेयर्स फार्मूला भी ध्यान देना पड़ेगा। एक तो ये, और लास्ट चीज और याद रखना, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी, इस पे न्यूमेरिकल तय है, बिल्कुल बॉक्स में बंद कर रहा हूँ, 100% 100% न्यूमेरिकल तय है। बिहार वाले जितने भी भैया हमारे हैं, बिहार वाले लोग जितने भी वीडियो देख रहे हैं, झारखंड वाले सभी का रिवीजन चल रहा है। यहाँ इम्पोर्टेंट का मतलब रिवीजन से बात हो रही है, ये नहीं बोले सर हम बिहार के, हमें तो आप कुछ बताई नहीं, ऐसा नहीं, दोनों की बातें चल रही हैं यहाँ पर, है ना। तो आप इसको ध्यान दीजिए, थर्मोडायनेमिक्स की बात हो गई। अब इसी तरीके से अगर मैं इलेक्ट्रो और आयनिक की बात कर लेता हूँ, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपको पढ़ लेना चाहिए। देखो आपको इसमें अगर कोई इम्प्रूवमेंट चाहिए तो मुझे बता दो कि सर ये चीज़ बता दो, क्योंकि ये आप भी जान रहे हो कि जो चीज़ पढ़ा चुके हैं वो दोबारा नहीं पढ़ाई जा सकती है, लेकिन हाँ उसको मैं क्विकली रिवीजन में दे रहा हूँ, इसे क्विक रिवीजन नोट भी बोलते हैं। अब देखो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में सेल वेल तो पढ़ ही लोगे, लेकिन नर्स्ट इक्वेशन का जो फार्मूला है वो आपको सबसे पहले पढ़ लेना है। नर्स्ट इक्वेशन ई सेल इज इक्वल टू हो जाता है, पानी पी लो जरा सा, देखिए ई सेल इज इक्वल टू हो जाता है ई नॉट सेल माइनस का 0.0591 अपॉन एन लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और ये सभी वैल्यू रिडक्शन पर होंगी, इस बात का ध्यान दीजिएगा, कोई भी वैल्यू ऑक्सीडेशन पर नहीं है, ऑल द वैल्यूज आर इन रिडक्शन। एक तो ये फार्मूला, और दूसरा फार्मूला जो बहुत आता है वो फार्मूला ये ई नॉट सेल, कोई राय हो कोई मशवरा हो तो
आप हमें दे सकते हो, यहाँ RT अपॉन NF हो जाएगा, और यहाँ नेचुरल लॉग आप KC लिख सकते हो, KE लिख सकते हो, जो चाहे सो लिख लो। ये फार्मूला भी, अब नेचुरल लॉग का मतलब वही 2.303 लॉग हो ही जाता है, वो आपको पता ही है। एक वैल्यू आपको सिंपल सी, तो जैसे लॉग लॉग KC इज इक्वल टू, इस पर न्यूमेरिकल भी मैंने अभी कराया था, एन भाई ये मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, एन और आपका हो गया क्या, एन ई नॉट सेल, हाँ एन ई नॉट सेल हो गया, ये लॉग KC इज इक्वल टू हो जाएगा, और RT नीचे आ जाएगा, NF आएगा, FB ऊपर आएगा, FB ऊपर आएगा, तो ये F ऊपर आ गया, नीचे आपका RT आ गया। इस तरीके से कैलकुलेशन भी आप कर सकते हो, ये कैलकुलेशन भी पूछी जा सकती है। क्यों पंकज बताओ, ऐसा है नहीं शिवानी, बोलो इस तरीके से। और बाकी अमन, प्रवेश, जो महेश, जो भी है इसके अंदर, बता सकते हैं मुझे। एक फार्मूला आपने ये भी पढ़ा होगा, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस NF ई नॉट सेल, तो माइनस मैंने उधर लगाया तो इधर मत लगाना, या फिर ऐसे लगा लो, डेल्टा जी इज इक्वल टू हो जाता है माइनस का NF ई नॉट सेल, हाँ ठीक है लोग ना। तो ये इस तरीके के फार्मूले पर भी क्वेश्चन आ सकता है, और ज़्यादा इस पे आने की कोई उम्मीद मुझे लगती नहीं है, बाकी ईश्वर की मर्जी है। लेकिन हाँ एक चीज़ और भी पढ़ लेना, कि अगर हम फेराडे के लॉ को देखें तो उन पर बहुत क्वेश्चन, तो हालांकि मैंने नहीं देखा, लेकिन ये चीज़ बिहार के लिए हो सकती है, कि अगर इक्विवेलेंट वेट के अकॉर्डिंग आप नोट करोगे तो W1 ले लो, पहले W1 से चलो, ज़्यादा बेटर रहेगा मुझे लगता है। W1 अपॉन W2 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका E1, इक्विवेलेंट वेट के बराबर होता है ना, तो E2 इस तरीके से, यानी कि जो वेट डिपॉजिट होता है वो इसके इक्विवेलेंट वेट के बराबर होता है, इसीलिए ये वैल्यू ली जाती है, इस बात का ध्यान देना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो अब ये अगर मान लो रिलेशन आप इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट के साथ में देखना चाहते हैं, तो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट के साथ में Z1 हो गया, नीचे आपका Z2 हो गया, सब बराबर ही होते हैं, कोई अलग नहीं होता है। यहाँ पर आपका E1 हो जाएगा तो यहाँ पर आपका E2 हो जाएगा, यहाँ पर आपका W1 हो जाएगा तो यहाँ पर W, मतलब सब एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में ही है, रेसिप्रोकल मतलब नहीं है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में है, ठीक है। चलो अब इसमें क्या करना है, इसमें हम लोग इन पर न्यूमेरिकल्स का एक अलग सेशन लेंगे, अमन न्यूमेरिकल्स मैंने लगातार बीच में कराए भी थे, न्यूमेरिकल का सेशन अलग लेंगे, नहीं तो इसमें जोड़ेंगे तो दो ही न्यूमेरिकल में आधा घंटा गड़बड़ा जाएगा, समझाना पड़ता है ना, ठीक है। न्यूमेरिकल का सेशन अलग रख देंगे एक दिन, एक दिन न्यूमेरिकल ही करेंगे 2 घंटे बैठ के, बस झंझट ही नहीं रखेंगे, है चलो, जिससे कि न्यूमेरिकल अभी अभी पूरा रिवीजन हो जाने, तो न्यूमेरिकल तो हम कराएंगे, क्योंकि न्यूमेरिकल का सेशन अगर अलग नहीं किया तो दिक्कत आ सकती है। अब एक चीज़ और नोट करना, यहाँ पर सेल के नाम याद जरूर रखना, सेल के नाम याद जरूर रखना। तो आप यहाँ सेल में नंबर 1, एक तो सेकेंडरी सेल को याद रखिएगा, एक आप सेकेंडरी सेल को याद रखिएगा, सेकेंडरी सेल 30 परसों उम्मीद है न्यूमेरिकल करेंगे, आज 2 दिन हम रिवीजन करेंगे, उसके बाद हम लोग फ्यूल सेल को भी थोड़ा फोकस कर लेंगे, फ्यूल सेल को भी फोकस कर लेंगे। तो ये दोनों के रिएक्शंस केवल देख लीजिएगा, बाकी जरूरत आपको मुझे लगता है नहीं। यहाँ पर सेकेंडरी सेल में इलेक्ट्रोलाइट भी मेरे हिसाब से आपको पढ़ लेना चाहिए, इलेक्ट्रोलाइट भी पढ़ लेना चाहिए, इलेक्ट्रोलाइट पूछे गए हैं, मैंने भी नोट किए थे। उसके बाद यहीं पर अगर आपको pH वैल्यू से जुड़ा हुआ अगर क्वेश्चन मिलता है तो फिर आप भाग्यशाली होंगे, ये इम्पोर्टेंट है, आप ध्यान दीजिए। pH इज इक्वल टू, आपको पता है फार्मूला मुझे बताने की जरूरत नहीं, pH इज इक्वल टू माइनस लॉग एच पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन होती है। अब इस पे मुझे बहुत डिस्कशन करना नहीं है, क्योंकि ये सब आपको बता। दूसरा अभी मैंने क्वेश्चन जो नोट किया है वो एक चीज़ और भी है, सॉल्वेबिलिटी प्रोडक्ट और सॉल्ट हाइड्रोलिसिस पर। सॉल्वेबिलिटी प्रोडक्ट का मतलब है कि KSP इज इक्वल टू होता है S2। अब ये मैंने एक फार्मूला लिख दिया, ये रिएक्शन पर डिपेंड करता है कि रिएक्शन कैसी है, रिएक्शन में कितने रिएक्टेंट और प्रोडक्ट ले रखे हैं, उनके हिसाब से वैल्यू बदलती रहती है। जैसे KSP इज इक्वल टू 4S³ भी हो जाता है, क्यों भाई 4S³ ऐसा होता नहीं होता है, तो ये 4S³ भी हो जाता है, ये रिएक्शन पर डिपेंड करता है। कि मान लीजिए आपने अगर केबल सिंपल लिया है कोई, जैसे सपोज कर लो आपने CH3 COOH4 लिया, तो ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, टूट गया CH3 COO नेगेटिव में और NH4 पॉजिटिव में, तो यहाँ पर सिंपल है, दो ही मिले, लेकिन कोई कोई तीन में टूट जाते हैं, कोई तीन में टूट जाते हैं, तो
अब आप लोग ना करें सेल की रिएक्शन भूल जाते हैं, तो बेटा इसके लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, लिख करके कैथोड एनोड पर ध्यान रखना पड़ेगा भाई। कैथोड पर हमेशा क्या होगा, कैथोड पर हमेशा रिडक्शन होगा और एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन होगा। ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की बात कर रहा हूँ। जैसे जो सेल होते हैं वो आपके दो कैटेगरी में मैंने बताए थे, एक तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और एक आपका इलेक्ट्रोलिटिक सेल। यहाँ लिख देता हूँ कि इलेक्ट्रो केमिकल सेल होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है, और दूसरा होता है आपका इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इलेक्ट्रोलिटिक सेल होता है, दोनों में अपोजिट कंडीशन चलती है। यहाँ पर एनोड जो होता है, यहाँ पर एनोड नेगेटिव होता है और कैथोड यहाँ पर जो होता है वो पॉजिटिव होता है। लेकिन यहीं पर ये उल्टी कंडीशन पैदा हो जाती है, यहाँ पर एनोड पॉजिटिव हो जाता है और कैथोड बेटा मेरे लाल नेगेटिव हो जाता है, तो रिएक्शन का वेरिएशन भी आता है। सेल कांस्टेंट पर भी फार्मूला है और सेल कांस्टेंट पर क्वेश्चन आ सकता है एल अपॉन आर वाले पर। तो यहाँ सेल कांस्टेंट एल अपॉन ए इज इक्वल टू है ना 1 अपॉन आर, 1 अपॉन आर इंटू जी स्टार में लिख देता हूँ, या सी भी लिख सकते हो आप, दोनों पॉसिबिलिटीज हैं ठीक है। या फिर केवल जी लिख लो, अगर इसे सेल कांस्टेंट को जी स्टार मानते हो तो आप केवल यहाँ जी लिख लो, एक ही बात है, जैसे चाहे वैसे रिप्रेजेंटेशन दे लो, आपको कोई इससे बहुत बड़ी दिक्कत नहीं। उन रिप्रेजेंटेशन का तरीका आपको पता रहना चाहिए। दूसरी चीज़ आपको और बताता हूँ, यहीं पर बफर सोल्यूशन आपको जरूर पढ़ना पड़ेगा, बफर और सॉल्ट हाइड्रोलिसिस दो चीज़ें। तो यहाँ पर मैं नोट कर देता हूँ, एक तो आपको रखना पड़ेगा याद क्या, बफर सॉल्यूशन और बफर एक्स सॉल्यूशन में बफर एक्शन बिहार वालों जरूर पढ़ लेना, बफर एक्शन जरूर पढ़ लीजिएगा ठीक है। मतलब एसिडिक बफर और बेसिक बफर, दो तरीके का बफर होता है, एसिडिक और बेसिक के बफर, ये मैंने पढ़ा रखे हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं तो आप लाइव सेशन में जाइएगा, नहीं तो जो 180 वीडियोस पड़ी हैं हमारी, जो हमारी 180 वीडियो पड़ी हैं उन पर आप चले जाइएगा। पेन हैंग कर गया है, जरा 1 मिनट का समय दीजिए। ठीक है, अब ये मिटेगा नहीं, ये मिटेगा नहीं। चलो होगा, हमें क्या करना है, इससे मतलब भी नहीं। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा कि बफर एक्शन के बाद एक दूसरा टॉपिक मैंने बोला था सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस ये भी जरूर पढ़ लीजिएगा, हाइड्रोलिसिस ये भी जरूर पढ़ लीजिए। ये सब कुछ ऐसा है नहीं, ये सब बन गया धोखे से, हाइड्रोलिसिस तो ये भी पढ़ लीजिएगा। इस पर आपको हाइड्रोलिसिस कॉन्स्टेंट KH की वैल्यू निकालना आना चाहिए, इस बात को ध्यान देना, बाकी इस पे परेशान आपको नहीं होना है ठीक है। और दूसरी चीज़ भी आपको यहाँ पर मैं बताऊँगा जो आपको याद रखनी है, कि अगर क्वेश्चन बेरी करता है तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा खिंचेगा, बहुत ज़्यादा चला गया तो हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट में हैंडरसन हेसल वॉक पर भी जा सकता है, हैंडरसन हेसल वॉक, हेसल HASEL हेसल वॉल्च इक्वेशन पर भी जा सकता है। अब हैंडरसन हेसल वॉल्च इक्वेशन होती क्या है आपको पता थी, pH इज इक्वल टू हो जाता है pKa प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन हो जाता है सॉल्ट। अब ए है तो एसिड ले लीजिएगा, बी ए हो तो बेस ले लीजिएगा, तो यहाँ पर आप ले सकते हो सॉल्ट, यहाँ एसिड ले लेना। तो यहीं पर अगर बेसिक मीडियम में आपको दिखानी पड़े, बेसिक मीडियम में तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा pH इज इक्वल टू हो जाता है pKb pOH सॉरी pOH लिखा जाएगा, pOH इज इक्वल टू pKb प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन बेस ठीक है। तो यहाँ पर pOH कर लीजिए, pOH कर लीजिए, तो यहाँ पर आप pOH लिख सकते हो ठीक है। अब pH निकालनी पड़े तो pH इज इक्वल टू आपको पता है 14 माइनस pOH आप ले लेना, तो आसानी से आपको इस पे भी न्यूमेरिकल मैं दो चार बता दूंगा, हो जाएगा ठीक है, कर लेंगे ना आप इसे। चलो एक तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, दूसरा ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ और स्ट्रेंथ एसिड की जरूर पढ़ लेना। स्ट्रेंथ मान लो अगर किसी एसिड की स्ट्रेंथ देखना पड़े तो स्ट्रेंथ ऑफ
एसिड कैसे निकालते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड में अगर एक एसिड मान लो ये है और दूसरा आपका HA2 है, तो यहाँ पर हो जाएगा अंडर रूट, हो जाएगा आपका अंडर रूट KA1 अपॉन KA2 हो जाएगा। इस तरीके से भी आप कैलकुलेशन कर सकते हो। तो ये कुछ मैंने फार्मूले से जुड़ी हुई बातें आपको बताई। इसी के साथ ही साथ आपको मैं रिवाइज करा रहा हूँ, देखो ध्यान दो। इसी के साथ साथ मैं आपको देखो गैसियस स्टेट की तरफ लेकर के चल रहा हूँ, और गैसियस स्टेट के फार्मूले बहुत इंपॉर्टेंट हैं। उनके फार्मूलों के साथ मैं आपको रिवीजन करा दूंगा, जिससे कि क्वेश्चन आने की संभावना वहाँ से बन सकती है, क्योंकि गैसियस स्टेट में से अधिकतर क्वेश्चन रखा ही मिलता है पक्का। तो यहाँ पर जाइए गैसियस स्टेट पर, जो आज हो जाए तो आज हो जाएगा, बचा हुआ कल करा देंगे, 2 दिन में हो जाएगा। उसके बाद देखो चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, ये तो सब मुझे बात करनी नहीं है। चार्ल्स बॉयल्स लॉ आपको ऑलरेडी पता रहते हैं। एक तो नंबर वन, आप ग्राफ पर ध्यान दीजिएगा। नंबर वन आपको ग्राफ पर ध्यान देना है, सभी लोग सुने ध्यान से, ग्राफ पर ध्यान देना है। जैसे कि अगर मान लीजिए कहीं पर हमें बॉयल्स लॉ दिखाई देता है, तो बॉयल्स लॉ के ग्राफ जितने भी होते हैं उनके प्रेशर और टेम्परेचर के रिलेशन में होते हैं। जैसे मैं सबसे पहले बॉयल्स लॉ पर ही एक बात कर लेता हूँ आपसे, ये मैंने हेडिंग बनाया बॉयल्स लॉ। अब आप देखो, अब जैसे बॉयल्स लॉ क्या है, आपको पता ही है कि पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी रहता है। तो अगर हम प्रेशर वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में ग्राफ बनाएंगे, तो मुझे पता होना चाहिए कि ये प्रेशर है और ये आपका वॉल्यूम है, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान देना है बेटा कि हमेशा प्रेशर वॉल्यूम के, प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम घटेगा, तो ये ग्राफ सब ऐसे ही आएंगे, ऐसे ही आएंगे अलग अलग टेम्परेचर पर, है ना। शुरुआत में टेम्परेचर मान लो T1 है, फिर टेम्परेचर T2 है, फिर टेम्परेचर 3। तो यहाँ पर होगा क्या कि T3 ज़्यादा है, तो यहाँ पर T1 कम हो गया, T2 आपका ज़्यादा हो गया, और T3 आपका और ज़्यादा हो गया, एंड सो ऑन। तो ये टेम्परेचर अगर मान लो वॉल्यूम के, तो आपको पता है कि PV इज इक्वल टू K कॉन्स्टेंट हो जाता है। इसके रिस्पेक्ट में अगर ग्राफ देखना चाहते हो, तो आपको पता होना चाहिए कि PV तो कॉन्स्टेंट हो गया ना, PV तो कॉन्स्टेंट हो गया। अब यहाँ पर वॉल्यूम क्या होगा, चेंज ही नहीं होगा, जब कॉन्स्टेंट हो गया तो सब ग्राफ सीधे आएंगे, ऐसे ऐसे स्ट्रेट लाइन आ जाएगा, मतलब यहाँ से स्ट्रेट लाइन। अब टेम्परेचर देखो, नीचे वाला T1, ये T2, ये T3, तो आपका वही सिंपल सी बात है, ये वाला टेम्परेचर की कंडीशन चलेगी। यहाँ T1 कम हो जाएगा, T2 यहाँ ज़्यादा हो जाएगा, और T3 यहाँ पर और ज़्यादा हो जाएगा। यही अगर रेसिप्रोकल के टर्म में ग्राफ देखने की कोशिश करना चाहोगे, तो आप जानते हो कि P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/V के, मतलब इस पूरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो सिंपल सी बात है, अगर हम ग्राफ को ऐसे बनाने की कोशिश करें, यहाँ पर तो प्रेशर ले लें, और यहाँ पर हम वैल्यू 1/V की ले लें, तो 1/V के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, वी के इनवर्सली प्रोपोर्शन है, तो फिर ये ग्राफ, ये लाइन हमें मिल जाती है, ठीक है। और अगर लॉग के टर्म में लेने की कोशिश करेंगे, लॉग के तो स्लोप मिल जाएगा, तो यहाँ पर लॉग वी और यहाँ पर आ जाता है आपका लॉग पी। मेरी बात आ रही समझ में? तो यहाँ पर हमें एक स्लोप मिल जाता है, और ये आपको याद रहना चाहिए। सब चीज़ें अगर आपको याद रहेंगी तो मुझे लगता है आसान रहेगा। इसी तरीके के चार्ल्स लॉ के भी ग्राफ बोले जाते हैं। चार्ल्स लॉ के ग्राफ भी सिंपल ऐसे ही बनते हैं, जैसे ये बना रहा हूँ मैं, इनको ध्यान दीजिएगा। लेकिन इन ग्राफ के साथ साथ आपको तीनों ग्राफ पढ़ने हैं, मतलब कहना नहीं कि अनुसर जो है वो आप केवल बता रहे ना, मैं आपको आइडिया भी दे रहा हूँ। चार्ल्स लॉ के भी ग्राफ आपको पढ़ने हैं, क्योंकि यहाँ पर वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है। तो फिर वही सिंपल सा ग्राफ, यानी कि अगर हम यहाँ पर वॉल्यूम ले लेते हैं, यहाँ टेम्परेचर ले लेते हैं, तो फिर आपको वही पता होना चाहिए, बस ऐसे बनना है सिंपल। टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये, और अगर वी कॉन्स्टेंट करना है, V/T, तो इसका भी ग्राफ वही सिंपल, वो तरीका वही चलेगा। यहाँ पर आपका प्रेशर की कंडीशन चलेगी कि प्रेशर कॉन्स्टेंट है, यहाँ P1 मान लो, यहाँ P2 मान लो, P3। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं? बाकी लोग भी बोलो, शिवानी बोल रही केवल, ठीक। अगर मान लीजिए कभी ऐसी कंडीशन हो जाए कि भाई हमने एक लाइन ए ड्रॉ की, तो आप हमेशा याद रखो कि ग्राफ हमेशा एक्सिस पर जब लिया जाता है, तो यहाँ पर मान लीजिए टेम्परेचर D0 है, 0 डिग्री सेल्सियस, तो -273 से ही स्टार्टिंग बोली जाती है, और या फिर हम ऐसे बोलें 0 केल्विन, ये ओके नहीं, 0 केल्विन। तो हम वॉल्यूम बढ़ने के साथ साथ में पहले ऐसे लाएंगे, फिर ग्राफ ऐसे ले करके जाते हैं, इसलिए ग्राफ आपको थोड़ा ऊपर से दिखाई देता है, क्योंकि टेम्परेचर माइनस में है, इसीलिए आपको 0 से जब ग्राफ दिखता है थोड़ा उठ के बनता है, ऊपर से बनता है ना। प्रेशर टेम्परेचर लॉ में सिंपल से लाइन खींची दोगे आप,
एक आइडियल गैस इक्वेशन पक्का है, इस पे क्वेश्चन आइडियल गैस इक्वेशन पर, आइडियल गैस इक्वेशन पी बी इज इक्वल टू एन आर टी पर भी क्वेश्चन लगभग और लगभग आ जाता है, लेकिन इसको ब्रैकिंग फॉर्म में जरूर पढ़िएगा। ब्रैकिंग फॉर्म का मतलब समझते हो, एन की वैल्यू, जैसे एन इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, डब्ल्यू अपॉन वी हो जाता है ना, मास अपॉन वॉल्यूम हो गया, तो इसको पढ़ लीजिएगा। तो एन इज द मास अपॉन मोलर मास, सॉरी वॉल्यूम की जगह मास अपॉन हो गया आपका मोलर मास हो गया, तो यहाँ एम टू कर लो, इसे डब्ल्यू टू कर लो, तो ये हो जाएगा पी इज इक्वल टू आपका वी नीचे ले आना, तो डब्ल्यू टू और नीचे आपका आ गया वी, यहाँ एम टू आ गया और यहाँ आर टी आ गया, ठीक है। और मास अपॉन वॉल्यूम डेंसिटी होता है, तो इसे डी आर टी अपॉन एम टू भी लिखा जाता है। ये फार्मूले सब न्यूमेरिकल में काम आएंगे। आर की वैल्यू जरूर नोट कर लेना, क्योंकि ये आर की वैल्यू यार बहुत परेशान करती है ना, आर की वैल्यू। अगर मान लो आर की वैल्यू आपने वॉल्यूम अगर आपको लीटर में दे रखा, तो 0.0821 है ना लीटर एटमॉस्फियर पर केल्विन पर मोल, याद रखिएगा। इसी तरीके से अगर आपका एनर्जी का कंसेप्ट, तो 8.314 है ना, यहाँ आ जाना जूल है पर केल्विन पर मोल में ले लेना। अगर यही आपका अर्ग में चले, तो 8.314 तो रहना ही रहना, इंटू 10^7 और बढ़ा देना, तो ये आपका अर्ग पर केल्विन पर मोल में चला जाएगा बच्चा। और अगर यही 1.987 मतलब 2 के आसपास रहती, कैलोरी पर केल्विन पर मोल में भी जाती है। तो ये बातें सब ध्यान देने वाली हैं, बहुत ही सही से रिवीजन करा रहा हूँ। अगर आपको इसमें कोई लगता है कि सर सुधार कर दीजिए, तो मैं कर दूंगा, लेकिन मैं अपनी ताकत से इसको बिल्कुल परफेक्टनेस की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहा हूँ, मतलब ऐसा नहीं कि कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ कहीं पर भी कोई। इसके बाद आपको बताऊं, आइडियल गैस इक्वेशन के आगे ही बढ़ते ही आपको एक इक्वेशन का नाम पता है, जिसका नाम है वैंडर वॉल गैस इक्वेशन। वैंडर वॉल गैस इक्वेशन जरूर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर वैंडर वॉल गैस इक्वेशन। अब ये वैंडर वॉल गैस इक्वेशन पी प्लस ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर, ध्यान देना, और यहाँ पर वी माइनस एन बी बराबर एन आर टी ऐसे करके भी आती है। और यही वैंडर वॉल गैस इक्वेशन जो है वो दूसरी फॉर्म में भी आपको दर्शन दे सकती है। और ये वैंडर वॉल गैस इक्वेशन किस फॉर्म में आपको दर्शन दे सकती है, मतलब जब एन की वैल्यू वन हो तब भी आ सकती है वैंडर वॉल गैस इक्वेशन। और ये वैंडर वॉल गैस इक्वेशन कभी लो प्रेशर हाई प्रेशर, ये मैंने सब तीनों बातें आपको डेरिवेशन में बताई थी। अगर आपको मेरी बात अच्छे से याद है और मेरी बात पर आपने ध्यान दिया होगा, तो 100% श्योर है मैंने ये बात पूरी वीडियो लेक्चर में बहुत अच्छे से समझाई थी कि डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर में वैंडर वॉल गैस इक्वेशन में सबसे पहले लो प्रेशर पे आपको पढ़ाई थी, फिर आपको हाई प्रेशर पे पढ़ाई थी, फिर एक्सट्रीमली लो प्रेशर पे पढ़ाई थी, फिर आपको एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर पर पढ़ाई थी मैंने। आप याद करके मुझे बताइए कि नहीं सर आपने पढ़ाई थी या मैं झूठ बोल रहा हूँ, ठीक है। तो वैंडर वॉल गैस इक्वेशन हमने नंबर वन लो प्रेशर पर पढ़ाई थी, और लो प्रेशर पर अगर आपको याद होना चाहिए तो वैंडर वॉल गैस इक्वेशन हमने आपको क्या पढ़ाई थी, लो प्रेशर पे अगर आप याद कर पा रहे हैं, तो जेड इज इक्वल टू 1 - A अपॉन वी आर टी आपको मैंने पढ़ाया था, ठीक है। यानी जेड की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, जेड की वैल्यू वही पी वी अपॉन आर टी इज इक्वल टू 1 - A अपॉन वी आर टी ऐसे करके मैंने पढ़ाई थी, आप याद करो अगर आपको याद आ पा रहा है तो। और अगर हाई प्रेशर की मैंने बात की थी, दो ही बताऊंगा बाकी आपको याद आ जाएंगे। हाई प्रेशर पे जेड इज इक्वल टू हो जाता है 1 + PV अपॉन आर टी, ये मैंने पढ़ाया था। तो इस तरीके के फार्मूले अभी मैं पेपर उठाइए देखिए आपको मिले होंगे, 100% आपको ये फार्मूले मिले होंगे। यहीं पर लिक्विफैक्शन ऑफ द गैसेस भी मैंने पढ़ाया था, जिनमें कुछ वैल्यूज आपको याद करनी पड़ेंगी, क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर, अधिकतर क्रिटिकल टेम्परेचर पूछ लिया जाता है। और मैंने उस वीडियो में इम्पोर्टेंट बात भी ये बताई थी, क्रिटिकल टेम्परेचर जरूर याद कर लीजिएगा, क्रिटिकल टेम्परेचर आप जरूर याद कर लेना। और किस किस के क्रिटिकल टेम्परेचर आप याद करोगे वो मैं आपको बताए दे रहा हूँ। एक तो आप CO2 के बारे में पढ़ लेना, नंबर टू हाइड्रोजन का पढ़ लीजिएगा, और हाइड्रोजन हो गया उसके बाद आप याद कर लेना, ऑक्सीजन की जरूरत बहुत ज़्यादा नहीं पड़ती है, कार्बन डाइऑक्साइड हाइड्रोजन की जरूरत पड़ती है, और एक अमोनिया भी पढ़ लेना, क्योंकि यही, और एक मीथेन,
अमोनिया और एक मीथेन, इनके अगर याद, मीथेन की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप अमोनिया तक रहिए, इतने याद कर लेना, क्रिटिकल टेम्परेचर 100% आपको इससे बेनिफिट मिलना चाहिए, जो मेरा मानना है। तो ये मैंने आपको गैसेस स्टेट, अब यहीं पर गैसेस स्टेट में कुछ टर्म ऐसे हैं जो अलग हट के जाते हैं, जैसे तीनों वेलोसिटी आपसे पूछी जा सकती है, तीनों वेलोसिटी, एक तो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी जिसको मैंने याद करने का तरीका बताया था, तीन लेटर हैं तो ऊपर 3 RT अपॉन m लिख दो, है ऐसे ही मैंने बताया था आपको। कौन सी एवरेज वेलोसिटी, एवरेज एवरेज वेलोसिटी बताया था आपको, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज पाई, मैंने 1 2 3 4 5 6 7 एवरेज पाई वेलोसिटी मैं इसे बोलता हूँ, तो एवरेज पाई वेलोसिटी मैंने आपको बताई होगी 8 RT अपॉन पाई एम, पाई एम। और उसके बाद आपको मोस्ट एमपी वेलोसिटी बताई होगी, एमपी वेलोसिटी पढ़ाई थी जिसमें मैंने लिखा था 2 RT, यहाँ दो ही लेटर है ना, 2 RT/m, ये मैंने सिखाया था आपको, अगर आपको याद हो तो ठीक है। एक तो ये याद रखिएगा, दूसरा वही ग्रहम्स लॉ में डिफ्यूजन का याद रखना, ग्रहम्स लॉ में R1/R2, ग्रहम्स लॉ GRHAM, ग्रहम्स लॉ याद रखना, और ग्रहम्स लॉ क्या कहता है ये आपको पता होना चाहिए, R1/R2 इज इक्वल टू अंडर रूट में आता है ना, अंडर रूट में D2/D1 आ जाता है, और यहीं पर अंडर रूट में M2/M1 आ जाता है। तो इस तरीके की कंडीशन आप याद रखना, और एक आप काइनेटिक गैस इक्वेशन भी याद कर लेना, क्योंकि काइनेटिक गैस इक्वेशन भी एग्जाम में पूछ सकते हैं। तो यहाँ मैं हेडिंग बना देता हूँ, काइनेटिक गैस इक्वेशन। तो मेरे प्यारे झारखंड के साथियों, बहुत ईमानदारी के साथ PV=1/3, 1 मिनट जरा फोन में रिसीव कर लूँ, जरा थोड़ा सा जरूरी है। थोड़ा सा चीज़ दो, एक फोन आ सकते हैं बीच में। इसी कंडीशन में आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि ये जो काइनेटिक गैस इक्वेशन PV=, मैंने क्या बोला, 1/2 1/3 mnc^2, ये RMS है, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी से बोलते हैं। इसको आप PV के टर्म में अगर लिखना चाहे तो मैंने लिख ही दिया, इसे कैपिटल M अगर मानते हो तो फिर ये N नंबर आप मोज हटा दीजिए, तो PV=1/3 M कर लो, तो ये M और N दोनों हट जाएंगे, यहाँ पर C² यानी ये रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, ऐसे करके भी आप इसे लिख सकते हो मेरे अकॉर्डिंग। बाकी आपने जैसे भी याद किया हो याद जरूर करिएगा, यहाँ पर P प्रेशर है, V वॉल्यूम है, स्मॉल m जो है मास ऑफ वन मॉलिक्यूल है यहाँ, ठीक है, स्मॉल m जो है वो मास ऑफ वन मॉलिक्यूल है, वन मॉलिक्यूल है ठीक है, और कैपिटल एम मोलर मास हो जाएगा, और एन एवोगैड्रो नंबर है, तो पता ही एन जो है वो एवोगैड्रो नंबर है, एवोगैड्रो नंबर, एवरेज नंबर ना समझ लेना, एवोगैड्रो नंबर। ठीक, ये चीज ध्यान दीजिएगा। इसके बाद एक रिलेशन जो है वो पूछा जा सकता है, रिलेशन जो पूछा जाएगा,
अब लगातार क्लास इसी कंटिन्यूशन में रहेगी 3 दिन। आप बेफिक्र रहिए प्रवेश जी, बिल्कुल बेफिक्र रहिए। एक रिलेशन पूछा जाता है और ये आया है पेपर में, ऐसा नहीं मैं ही कह रहा हूँ, एक रिलेशन पूछा जाता है, वो है CMP का, मतलब मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, सी एवरेज का, एवरेज वेलोसिटी का, और उसके बाद CRMS का, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का। तो ये वैल्यू कितनी है आपको पता होना चाहिए, रेशियो क्या है, 1 ये रहता है इस टू 1 पॉइंट कितना होता है 128 होता है, 1.128 रेशियो 1.22 समथिंग होता है 4n। तो सबसे ज़्यादा वैल्यू कौन सी हुई, सबसे ज़्यादा वैल्यू जो मुझे दिखाई दे रही वो ये दिखाई दे रही। तो यानी कि रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी RMS जो होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, उसके बाद एवरेज वेलोसिटी होती है, एवरेज वेलोसिटी हो जाएगी है ना, और उसके बाद आपकी आ जाती है मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, MP आ जाती है। तो ये एक ऑर्डर भी अक्सर पूछ लिया जाता है, तो मेरे हिसाब से आपको ऑर्डर भी याद रखना चाहिए। और एक कोलिजन फ्रीक्वेंसी पर भी और कोलिजन नंबर पर भी क्वेश्चन कभी आया है, तो इसलिए कोलिजन फ्रीक्वेंसी कोलिजन नंबर ये जरूर पढ़ करके जाइएगा। और लास्ट में एक बात और बताऊंगा आपको, जो मेरे हिसाब से आपको पढ़नी चाहिए, CPCB की वैल्यूज है ना, आपने देखा होगा कि CPCB की वैल्यूज पर भी क्वेश्चन आया है, और CPCB की जो गैस की जो वैल्यूज होती हैं उनको आपको पढ़ के जाना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, नहीं तो मामू गड़बड़। जैसे कभी कभी ये भी पूछा गया बॉयल टेम्परेचर, भाई अगर बॉयल टेम्परेचर TV बात करो तो उसे बता देता हूँ, थोड़ा सा हिंट लेके चलता हूँ, थोड़ा टॉपिक इंपॉर्टेंट है इसलिए छोड़ने का मन नहीं कर रहा। एक तो बॉयल टेम्परेचर मान लो आपने TB लिया, तो TB इज इक्वल टू A/B RB होता है, ये देख लेना कहीं धोखे से पढ़ाते गड़बड़ा जाए। क्रिटिकल टेम्परेचर TC इज इक्वल टू 8A/27 BR होता है, या RB नोट कर लो। इसी तरीके से क्रिटिकल प्रेशर PC जो होता है वो A/27 B² होता है। यहाँ पर कुछ लगे तो मुझे बता देना कि सर ये चीज़ सही कर दीजिए, क्योंकि कभी कभी पढ़ाते हुए लंबा गैप होता है तो फिर दिमाग से स्लिप कर जाती है ये, है ना। तो ये चीज़ें आपको पता रहनी चाहिए। और जेड की वैल्यू अगर यहाँ नोट करोगे तो ये PC VC/TCR हो जाएगा आपका 3/8। वैल्यूज पुट कर लोगे ना 3/8 आइडियल कंडीशंस में, तो ये वैल्यू 8 या 24 यानी कि 0.375 आ जाती है। तो क्रिटिकल कंडीशन में जेड की वैल्यू क्या होगी, जेड की वैल्यू <1 है, तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी, वे 1 है ही नहीं वैल्यू। इसी तरीके से इन्वर्जन टेम्परेचर भी पूछ सकते हैं, TI। हाँ पंकज, बॉयल टेम्परेचर क्या होता है, बिल्कुल सही पूछा, वो टेम्परेचर जिस पर कोई भी गैस आइडियल ठीक है जैसा बिहेव करती है, इट इज अ टेम्परेचर एट विच अ गैस बिहेव आइडियली ओवर द वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर, उसको बोलते हैं हम लोग बॉयल टेम्परेचर ठीक है। तो TI इज इक्वल टू हो जाता है A/RB, ये भी आपको ध्यान देना पड़ेगा, ये आपको याद रखना पड़ेगा, ये कहलाता है आपका इन्वर्जन टेम्परेचर। तो ये वो टेम्परेचर होता है, व्हाट इज इन्वर्जन टेम्परेचर, इट इज अ टेम्परेचर बिलो विच कूलिंग इफेक्ट एंड अबव विच हीटिंग इफेक्ट इज ऑब्जर्व, मतलब जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट इसमें इन्वॉल्व हो जाता है। तो ये मैंने आपको गैसियस की कंडीशन आपको बताई, और जो पॉइजन्स कॉन्स्टेंट होता है वो भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि किसका कितना पॉइजन्स कॉन्स्टेंट होता है ना। अगर आपको याद है मोनो एटॉमिक गैस के लिए, डाई एटॉमिक गैस के लिए, तो मुझे बताइए, और नहीं याद है तो मैं आपको रिमाइंड करा रहा हूँ ठीक है। सबसे पहले आता है मोनो एटॉमिक गैस है ना, पॉइजन्स कॉन्स्टेंट गामा जो है वो सबसे पहले मोनो, फिर आपका डाई, फिर आपका ट्राई, और फिर आपका टेट्रा ठीक है, ये आता है। तो हाँ जी, मोनो एटॉमिक की जो वैल्यू होती है 1.66 होती है, बिल्कुल एक्यूरेट आप बोल रही हैं जी, बोलिए। मोनो एटॉमिक की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, बोले आप जल्दी से फटाफट बोलिए। मोनो एटॉमिक की 1.6, बिल्कुल सही बोली है, बिल्कुल सही बोली है आपने, तो यहाँ लिख दें 1.66 ठीक है, ये हो गई आपकी 1.66 लिख दी मैंने। डाई एटॉमिक की आपने बता रहे हैं, डाई एटॉमिक की 1. डायटॉमिक की 1.24 होती है शायद, डाइट नहीं, ये जो 1.33 जो वैल्यू है वो 1.33 मेरे हिसाब से जो वैल्यू होनी चाहिए वो किसकी होनी चाहिए, पहले तो आप ये बताओ।
चेक कर लो एक बार। सही है 1.3। चलो हाँ ठीक है ठीक है, सही कह रहे हो सही कह रहे हो, 1.3 ही है, मुझे ही थोड़ा डाउट रह गया था। ये हो गई आपकी 1.33 हो गई। ट्राई एटॉमिक की बताइए, ट्राई एटॉमिक की कितनी वैल्यू होगी, ट्राई एटॉमिक की बताइए, ये 1 पॉइंट, ट्राई एटॉमिक की बताइए जल्दी से। थोड़ी डाई की 1.4। हाँ ये थोड़ा सा डाउट मुझे भी हुआ, इसीलिए मैं यहाँ पर अगर मैं आपसे कहूँ, यानी कि सिंपल सी बात ये है कि इसका मतलब 1 पॉइंट में ही गलत कर रहा हूँ, तो यहाँ मैं लिख लेता हूँ, थोड़ा सा मैं भी यहाँ कंफ्यूज कर गया, 1.40 और ये 1.33। शाबाश, थैंक यू थैंक यू। और टेट्रा की और बता दीजिए, टेट्रा की वैल्यू अगर आप और बता देंगे तो मुझे लगेगा कि आराम मिल जाएगा। 1.24 होती है, 1.24। चलिए ठीक पंकज जी, सही है। तो ये वैल्यूज़ हैं, ये अक्सर पूछ ली जाती हैं और ये इम्पोर्टेंट वैल्यूज़ भी हैं, तो इनको भी आपको ध्यान रखना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं गैसेस वाले में, इतना अगर पढ़ लोगे ना तो कसम भगवान के नंबर बांटने पड़ेंगे मोहल्ले में। चलिए इसके बाद आ जाइए, हम आपको इसके बाद रिवीजन करा देते हैं कोऑर्डिनेशन और डीएफ ब्लॉक, ठीक है, कोऑर्डिनेशन और डीएफ ब्लॉक। बाद में अब आपको बॉयल टेम्परेचर, पंकज बोला तो मैंने, बॉयल टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है जिसके बाद कोई भी गैस जो है वो आइडियल जैसा बिहेव करती है, आइडियल होती नहीं है। बॉयल टेम्परेचर, बॉयल प्रेशर, यानी कि जिस, चलो कोई बात नहीं दोबारा सुन लो, बॉयल प्रेशर, बॉयल टेम्परेचर, क्रिटिकल एक्चुअल में क्या होता है, बॉयल प्रेशर नहीं होता, बॉयल टेम्परेचर होता है, उसमें क्रिटिकल प्रेशर होता है, क्रिटिकल वॉल्यूम होता है, वो सब होते हैं, लेकिन बॉयल प्रेशर नहीं होता पंकज, पंकज बॉयल प्रेशर नहीं होता है, ये चीज़ ध्यान दो। जो आप पूछ रहे हो वो मैं बता रहा हूँ आपको, फिर से सुन लो एक बार, मैं बोले दे रहा हूँ, आप सुनिए ध्यान से। बॉयल टेम्परेचर, इट इज़ द टेम्परेचर एट विच द गैस बिहेव आइडियली ओवर द वाइड रेंज ऑफ प्रेशर, ठीक। अब क्रिटिकल टेम्परेचर, इट इज द टेम्परेचर अबव विच अ गैस कैन नॉट बी लिक्विफाइड वट एवर द प्रेशर अप्लाइड। उसके बाद क्रिटिकल प्रेशर की बात करो तो इट इज द प्रेशर अप्लाइड टू 1 मोल ऑफ गैस एट क्रिटिकल टेम्परेचर, है ना, उसको लिक्विफाई करने के लिए। और क्रिटिकल वॉल्यूम, तो क्रिटिकल टेम्परेचर और क्रिटिकल प्रेशर पे जो भी गैस का वॉल्यूम हो वो क्रिटिकल वॉल्यूम, ये मैंने आपको बता ही दिया था, ठीक है। चलो तो ध्यान दीजिएगा जो मैं आपको बोल रहा हूँ, इसके बाद कोऑर्डिनेशन और डीएफ ब्लॉक पर चले आइए। देखिए सबसे पहले हम डीएफ ब्लॉक की बात करें और तो फिर कोऑर्डिनेशन की बात करें, तो देखिए डीएफ ब्लॉक में मैं आपका यहाँ ज़्यादा नहीं समय लूँगा, डी और एफ ब्लॉक में आपको मेरे हिसाब से टॉपिक बताऊँगा, क्योंकि इसमें पढ़ाने का तो बहुत ज़्यादा मामला मैंने पढ़ाया ही है आपको। सबसे पहले नंबर 1 आप इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट पढ़ना, ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में पढ़ोगे, ठीक है, समझ रहे हो, टाइम दे रहा हूँ आपको तो इसका यूज़ करिए आप। ऑक्सीडेशन स्टेट एक्सेप्शंस को जरूर पढ़ लीजिएगा, एक्सेप्शंस को जरूर पढ़ लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा इस पर, ठीक। उसके बाद इन्हीं के रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज जरूर पढ़ लेना, कौन अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट कौन बेटर है दूसरे के कंपेयर में, इसको तो आप मान के चलो कि मत्था टेक लो इस पर एक बार, कि अनुसर ने कहा था आएगा, अभी तक का इतिहास तो यही है कि अनुसर ने जिस पे मत्था टिकवा दिया वो आया है, ठीक, बाकी इतिहास टूट जाए वो अलग चीज है। चौथी इसमें कंडीशन आपको पढ़नी चली चाहिए मेरे हिसाब से, चौथी कंडीशन आपको मेरे हिसाब से पढ़नी चाहिए, इसमें दिमाग से इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यानी ईएमएफ पढ़ना चाहिए, ईएमएफ पढ़ना चाहिए आपको, ठीक है, ईएमएफ जरूर पढ़िएगा। और दूसरी चीज, चौथी पांचवी और आखिरी बात, नंबर 1 इसको मैं तोड़ रहा हूँ प्रॉपर्टीज में, और प्रॉपर्टीज में एक तो एलॉय का नाम, हालांकि इसके आने के चांस कम है, कैटालिस्ट के आने के चांस ज्यादा है,
पंकज कैटलिस्ट पर मत्था टेक डालो, कैटलिस्ट पर आने के चांस ज़्यादा। कौन सा कैटलिस्ट कौन सी रिएक्शन में अप्लाई होता है और इसके बाद कलर का फॉर्मेशन भी आना तय है। कलर लेकिन दो तरीके से पढ़ लीजिएगा, कलर फॉर्मेशन दो तरीके से पढ़ लीजिएगा। नंबर एक चार्ज ट्रांसफर से, नंबर एक चार्ज ट्रांसफर से पढ़ लीजिएगा, चार्ज ट्रांसफर। और दूसरा पढ़ लेना डी टू डी ट्रांजिशन और एफ टू एफ ट्रांजिशन भी हाथ के हाथ देख ही लेना। ये चीज़ें आप जरूर ध्यान से पढ़िएगा डी और एफ ब्लॉक में। और इसके साथ ही साथ दो कंपाउंड के स्ट्रक्चर, हाइब्रिडाइजेशन और उनकी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी। नंबर वन के टू सी आर टू ओ सेवन और के एम एन ओ फोर, इन दोनों के बारे में आपको क्या पढ़ना चाहिए वो मैं इस समय आपसे डिस्कशन करूंगा। नंबर वन, इनका एक तो स्ट्रक्चर, इनके आयन का स्ट्रक्चर आपको पढ़ लेना चाहिए, आयन का स्ट्रक्चर। आयन का कलर पढ़ लेना चाहिए, आयन का कलर पढ़ लेने, देखो पढ़ना आपको है, अगर मैं दोबारा पढ़ाऊंगा तो ये तो बड़ा बेवकूफ़ी हो जाएगी। उसके बाद आपको इनकी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज़ पढ़ लेना चाहिए। और ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज़ मीडियम दो होंगे, मीडियम दो क्या तीन चलते हैं, एक तो एसिडिक में और एक आपके बेसिक में और एक आपके न्यूट्रल। इन तीनों मीडियम में अगर आप ईमानदारी से पढ़ लोगे तो मुझे लगता है इन दोनों पर तो क्वेश्चन लगभग और लगभग तय है, लेकिन यहाँ पर भी जहाँ रेड कर रहा हूँ यहाँ पर भी मान के चलिए कि तय है, ये भी इम्पोर्टेंट है, ध्यान दो। ठीक है बच्चों, चलो एसिडिक मीडियम में ही फोकस करिएगा कि एसिडिक मीडियम में ही आप पढ़ें। तो ये हो गया, अब आ जाओ कोऑर्डिनेशन पर। कोऑर्डिनेशन इतना ही रिवीजन कराऊंगा कोऑर्डिनेशन तक, बाकी बात कल करूंगा क्योंकि आज मेरा फास्ट भी है। कोऑर्डिनेशन की अगर मैं बात करता हूं तो कोऑर्डिनेशन में सबसे पहला नंबर वन, छोड़ देना सब, आइसोमेरिज्म से शुरुआत करना। और आइसोमेरिज्म में दोनों कैटेगरी आप पढ़ डालना, एक तो ऑप्टिकल, ज़्यादा नहीं, ऑप्टिकल और स्टीरियो ज्योमेट्रिकल, ऑप्टिकल और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आप पढ़ लेना, छोड़ना मत, वादा करता हूँ क्वेश्चन मिलेगा आपको, वादा करता हूँ क्वेश्चन मिलेगा आपको 101%, कोई माई का लाल नहीं दुनिया में रोक ले। दूसरा, आपको वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में जब जाना तो यहाँ पर जितने भी मॉलिक्यूल निकल के हों, मैंगनीज के हों, क्रोमियम और कोबाल्ट के हों, इतने के कंपाउंड जरूर पढ़ लीजिएगा, कॉम्प्लेक्स इतने के जरूर पढ़ लीजिएगा। और इन कॉम्प्लेक्स में क्या पढ़ लेना, देखो तो यहाँ डिटेल में वैसे तो मैं ज़रा देर में बना करके डाल सकता, लेकिन आपको फुल ऑपरेशन के साथ चल रहा हूँ, आपका पूरा ऑपरेशन करवा रहा हूँ। इस ऑपरेशन में भी आप अपने आप को सफलता नहीं ले पा रहे हो तो फिर अलग वाली बात है ना, तो धुआंधार मेरे साथ बने रहो। और एक बार यार जाकर के मेरे YouTube चैनल पर भी थोड़ा कमेंट कर दिया करो, आप लोगों से बड़ा उम्मीद रहती, जो है साथी वो तो कर ही सकते हैं, वो तो कर ही सकते हैं ना, करोगे पंकज, आप तो करते हो खैर, है ना, वीडियो देखें लोग, लोगों को भी अच्छा लगे, बेनिफिट हो लोगों का, मेरा उद्देश्य मोटो वही रहता है। अब यहाँ पर जो कॉम्प्लेक्सेस हैं इनमें एक चीज़, नंबर वन मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, दूसरी इनर है कि आउटर है, और तीसरी बात आप शेप और हाइब्रिडाइजेशन पे चले जाइएगा, शेप ऑब्लिक हाइब्रिडाइजेशन। ठीक, ये बात ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट मैंने आपको ये बताया है आज, इसको आप छोड़ना नहीं किसी कीमत पर, कीमत बदल जाए लेकिन आप मत बदलना। उसके बाद आ जाइए सीएफटी पर, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पर। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में
स्प्लिटिंग केवल ऑक्टाहेड्रल के बेटा पढ़ लेना, टेट्रा मत पढ़ना, मेरा वादा है आपसे नहीं आएगी। ऑक्टाहेड्रल में जब स्प्लिटिंग पढ़ना तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड पढ़ लेना, और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के साथ साथ आपको इलेक्ट्रॉन की फिलिंग, डी में 4 इलेक्ट्रॉन और डी में 6 इलेक्ट्रॉन की फिलिंग हम लोग कैसे करेंगे, इस चीज़ को भी ध्यान से पढ़ लीजिएगा भाई। स्ट्रॉन्ग फील्ड जब लिगेंड होता है, प्रवेश जी थैंक यू वेरी मच, लुबना थैंक यू वेरी मच, पंकज जी थैंक यू वेरी मच, आप लोग इतना प्यार हमें दे रहे हैं इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं उम्मीद करूंगा कि इसी प्यार के सहारे में जिंदा रहूं। देखो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या होते हैं, जो लो स्पिन होते हैं, एक बात याद रखना भाई, लो स्पिन जो होते हैं, लो स्पिन वो स्ट्रॉन्ग फील्ड होते हैं, और हाई स्पिन जो होते हैं वो वीक फील्ड लिगेंड होते हैं। इनके अकॉर्डिंग आपको डेल्टा ओ की वैल्यू जरूर याद कर लेनी है। ये मैंने पढ़ाया इसलिए यहाँ डिस्टर्ब नहीं करूँगा मैं बिल्कुल भी, आपको बस आइडिया दूंगा कब अगर डेल्टा ओ की वैल्यू पेयरिंग एनर्जी से ज़्यादा हो जाए और डेल्टा ओ की वैल्यू लेस हो जाए पेयरिंग एनर्जी से, तो ये आपको कंडीशन ध्यान, डेल्टा ओ जब ज़्यादा हो गया ना पेयरिंग एनर्जी कम हो गई, हो ही नहीं पाएगी पेयरिंग, अगर डेल्टा ओ कम हो जाए घट से पेयरिंग हो जाएगी, तो इस बात का आपको ध्यान देना पड़ेगा, ये कंडीशन आपको याद रखनी पड़ेगी। पेयरिंग एनर्जी कम है तो फिर इलेक्ट्रॉन वहीं जगह ही रह जाएगा, ऊपर जंप नहीं कर पाएगा, एक चीज़ ये ध्यान दीजिएगा। दूसरी चीज़ आपको जो इसमें पढ़नी आखिर में, मेटल कार्बोनिल्स पढ़ लेना, और मेटल कार्बोनिल्स में सिनर्जिक बॉन्डिंग जरूर पढ़ लीजिए, बस मेटल कार्बोनिल्स के साथ साथ यहीं पर सिनर्जिक इफेक्ट, सिनर्जिक इफेक्ट जरूर पढ़ लेना, अनुसर का वादा है, इम्पोर्टेंट है, ठीक, इतना पढ़िएगा। इसमें ये हो गया आपका कोऑर्डिनेशन की कहानी, तो ये मैंने कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स टॉपिक बताए आपको। इसमें एक चीज़ और अगर चाहना तो लिगेंड्स के एग्जांपल और देख लेना, बताने को तो मैं सब बता दूँ कोई बात नहीं, लिगेंड्स के एग्जाम्पल को कॉम्पिटिशन है, यहाँ कोई भरोसा नहीं होता है। लिगेंड्स के एग्जाम्पल्स में एक जो मल्टी डेंटेट है उनको देख लेना, बस मल्टी डेंटेट, और वर्नर कोऑर्डिनेशन थ्योरी तो आपको याद ही होगी, तो ये मैंने यहाँ तक बता दिया। अब हम लोग कल लेकर के बैठेंगे, आज थोड़ा सा फास्ट भी है इसलिए रुकूंगा यहीं पर, कल आपसे लेकर के बैठूंगा मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की कल बातें करूंगा आपसे, और कल का जो हमारा क्लास होगा वो क्लास कल का उम्मीद है कि नाइट में ही रखूँ, क्योंकि मुझे लगता है आज मैंने इसलिए रखा था कि ज़्यादा लोग आएंगे, तो मुझे लगा ज़्यादा लोग आए नहीं आज, मेरा ये था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ, लेकिन ज़्यादा से 13 ही लोग आ रहे हैं, तो मैं उम्मीद करूँगा कि नाइट के क्लास में जितने लोग ज़्यादा रहते हैं, तो कल मैं ऑर्गेनिक का रिविज़न भी आपका करा दूँगा, और साथ ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिविज़न के साथ ही साथ क्वेश्चन पेपर भी डाल दूँगा, झारखंड का क्वेश्चन पेपर जो मैं सॉल्व कर रहा हूँ लगातार, वो भी डाल दूंगा, तो उससे भी करिएगा, जो मैंने 60 क्वेश्चन तक डाले थे ना, अब और भी 60 डाल दूंगा, तो वो भी क्वेश्चन आप तक पहुंच जाएंगे, तो अभी मैं डाल रहा हूँ, तो रिमेनिंग 60 क्वेश्चन में सॉल्व करना पड़ेगा मुझे, अभी मैंने किए नहीं सॉल्व करके, मैं अभी फटाक से वो भी डाल दूंगा, ठीक है। चलिए तो कोऑपरेशन के लिए थैंक यू, कल मिलिएगा रात में, हाँ यूट्यूब पर रात में 9 बजे, यूट्यूब पर तो मैंने डाल दी अभी, आपके इसमें ऐप पर भी डाल दे रहा हूँ, ठीक है, ओके, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।